आप सभी का स्वागत है और आज हमारा साल का अंतिम दिन और आपका अंतिम क्लास इस साल का, ठीक है? तो आ जाइए और आज हम लोग सेशन को समाप्त करें, उसी सोगा कि आज हम लोग बहुत स्पीड में चले और जहाँ तक हो सके वहाँ तक जा सकें, ठीक है? तो सेशन शुरू किया जाए, चलिए चलिए हैप्पी न्यू ईयर बाद में करेंगे, पहले तो काम शुरू किया जाए, ठीक है? सब आ चुके और सारे लोग आई वी के लिए बैच काफ़ी है, ठीक है? गुरु के चरणों में साथ प्रणाम, बच्चे ये बैच यहाँ पे आपका आई वी के लिए एस एस सी का जो बैच होता है वो आई वी का पैरल बैच होता है, ठीक है? तो एस एस सी की तैयारी करें, आप आई वी का ऑलमोस्ट बराबर है, केवल आपको आई वी का डिस्क्रिप्टिव देखना पड़ेगा, कोई एस एस सी में तो पूछना है डिस्क्रिप्टिव, इसे परेशान होना है। तो आइए क्लास नंबर आपका 29 यूपीएससी, बट वॉट यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, उसके लिए कोई इशू नहीं है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी बैच काफी है, ये जो भी एग्जाम है उसके लिए बैच यहाँ पर परेशान होइएगा, ठीक है? चलिए सेशन शुरू किया जाए बिना लेट किए हुए, आज का सेशन जो वर्ड है आपका आगे बढ़ रहा है आपका। चलिए गुरु जी आपने सिया का प्रणाम स्वीकार करें, ओ चलिए स्वीकार है भाई, सभी का प्रणाम स्वीकार है और चलिए सिसी का, चलिए दिख रहा है आप लोग कहाँ तक कर चुके थे, देखें हमारा लास्ट वर्ड क्या था, याद करें श्रिंक, यस श्रिंक श्रैंक श्रंक, ठीक है? तो ये हमने बोला था कि वीटू के रूप में ये श्रैंक नहीं होता है, श्रंक नहीं यूज करते हैं, श्रंक थर्ड फॉर्म में होता है, समझे? एक बच्चे ने बोला पूछा था कि सर आप ये बताओ कि ये वर्ड श्रंकित, अगर आपने सुना है तो बताया कि श्रंकित क्या होता है, कभी कभी ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा श्रंकित, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये आपको एडजेक्टिव रूप में सिर्फ यूज किया जाता है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव रूप में इसको यूज किया जाता है। वर्ड्स का हिंदी बता दीजिए, अच्छा मैं हिंदी बता दें तो लीजिए, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, समझे? श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, जितने भी वर्ड्स है उसका हिंदी आप देख लो, आप क्या करो ना एक डिक्शनरी, आप लोग क्या करो एक बच्चे को बता रहा हूँ ये आप ये डिक्शनरी हिंदू घोष डिक्शनरी, ठीक है? हिंदू घोष डिक्शनरी आप क्या करो डाउनलोड कर लो, ठीक है? और आपको उसमें हिंदी मिल जाएगा, ज्यादा तकलीफ होती हो तो समझे, ये आप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, ज्यादा तकलीफ होती है तो, और आपको वर्ड था सही है ये अलग, ये आपको मीनिंग आप देख लें, ठीक है? चलिए लास्ट वर्ड जो था स्ले था, तो हम चलेंगे स्ले पे, परेशान नहीं, मैंने ये वर्ड बता दिया, चलिए आगे बढ़े हम लोग, लास्ट वर्ड स्ले था बता दिया, तो लीजिए स्ले, आइए हम लोग लास्ट वर्ड हमारा क्या था स्ले था, ठीक है? तो लास्ट वर्ड हमारा स्ले है और इस वर्ड को देखा जाए, लास्ट वर्ड स्ले है, देखिए ये वर्ड आपका क्या दिया, ठीक है? ये वर्ड आपका स्ले, ये स्ले वर्ड जो था इसका हमने बताया था कि स्ले स्लू स्लेन होता है, याद होगा आपको स्ले स्लू स्लेन, ठीक है? और ये जो है काफी कंफ्यूजिंग है, आपको हमेशा क्वेश्चन आया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि द, ठीक है, द टीमिट, आपका क्वेश्चन था एग्जाम में आया था द टीमिट क्रिएचर, सही है? द टीमिट क्रिएचर वाज, ठीक है, वाज स्लूड, वाज स्लूड, सही है? सिंपली ऐसा लिखा हुआ था और ये पूछा गया था कि इसमें किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन ये आया था, ठीक है? तो आपको बताना है भाई समाज जाहिद, ठीक है? तो आपको ये जो है एक क्वेश्चन आया था टीमिट क्रिएचर वाज, देखिए स्लूड पहली बात है कि एरर जहां तक है आपको हमने बताया कि वर्ब फॉर्म्स का एरर होता है, देखिए ये जो वर्ड दिया है स्लूड ये वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये वाज की बात दिया है तो वाज के बाद अगर आपका इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, आप जानते हो कि इज एम आर हो चाहे वाज या आपको वर्ड हो, इसके बाद हमारा बीफोर होता है, ठीक है? इनएक्टिव फॉर्म, जब ये एक्टिव फॉर्म रहेगा कंटिन्यूस में तो ये आपको बीफोर लेता है, लेकिन जैसे ही पैसिव फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे ही इसके बाद बी3 होगा वो हमारा पैसिव फॉर्म होता है, तो पैसिव फॉर्म करने के लिए हम जानते हैं कि इसका जो है थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, एग्जाम वाजवेयर के बाद, और पैसिव फॉर्म के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम जानते हैं कि स्ले स्ल्यू स्लेन होता है, थर्ड फॉर्म में हमें क्या चाहिए स्लेन चाहिए, एस एल ए, ठीक है, एस एल ए आई एन, स्लेन चाहिए, याद रखेंगे। चलिए क्या लिखा, गुड इवनिंग सर, मेरी लाइफ का एक टारगेट है कि मैं अपने जीवन में कितने एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक जा सकता हूँ, सर मैं जिंदगी में अपने टारगेट को पाने का कुर्बान कर दिया, बहुत अच्छा, एक तो टारगेट होना चाहिए सबका, सबका ये टारगेट बच्चा, मेरा भी ये टारगेट था, चलिए तो इसी को देखो, तो ये स्लेश स्लेश याद रखेंगे, ठीक है? एक शॉर्ट देखते हैं, अगला वर्ड हमारा स्लाइड, ये भी मतलब बता दिया था स्लाइड, ठीक है, स्लाइड स्लीट और फिर स्लीट, स्लाइड का मतलब आपको बताओ पीछे चलना होता है, ससरना भी होता है, स्लाइडिंग किया ना बच्चों ने, स्लाइडिंग बहुत किया होगा, ठीक है, स्लाइडिंग किया कि नहीं किया, स्लाइडिंग बच्चा लोग पार्क में खूब स्लाइडिंग करता है, तो ये आपका स्लाइड है, ठीक है? तो स्लाइड उसका इसका बीटू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड स्लीट स्लीट होता है, दोनों फॉर्म में देख लो आप अच्छी तरह से, एक शॉर्ट हमारा स्पीक, इसको देखिए स्पीक स्पोक स्पोक बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये वर्ड क्या है, पहले से पता है स्पीक बोलना होता है, स्पीन है बॉल पर स्पीक करते हैं, तो स्पीन है स्पेन है और स्पन है, ठीक है? देखिए ये जो पार्ट है ना ये वीडियो वाला, ये वीडियो और ये थर्ड फॉर्म ये ज्यादा यूज होता है, स्पिन स्पेन, ठीक है, ये वीडियो में यूज होता है, ये आपको इसको कर लेना है, ठीक है? वीडियो में हम यूज करते हैं क्या चीज़, यूज करते हैं स्पेन, ठीक है, याद रखेंगे कि ये आपका स्पेन जो है ये वीडियो में और स्पन जो है थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे सिंग सैंग संग सेम स्टाइल में, तो एन है आपके यूएन है, यहाँ पे एक बात आपको सिखा दें कि ये जो वर्ड स्पेन है, ठीक है, स्पिन स्पेन स्पन, तो ये वर्ड स्पेन जो है ये एक नाउन भी होता है, ठीक है, ये आपका नाउन भी होता है, जो वीडियो के रूप में वो नाउन होता है स्पेन, समझे? तो ये स्पेन का मतलब क्या होता है, बोलते ना विद इन द स्पेन ऑफ टाइम, स्पेन जो है ये हम यूज करते हैं पीरियड के लिए, स्पेन मींस होता है पीरियड, ठीक है, जो आपका पीरियड है ना उसके लिए अवधि के लिए यूज करते हैं, हिंदी में अवधि बोलते हैं, या आप इसको क्या बोलते हो ड्यूरेशन अवधि, याद रखिएगा, तो ये आपका लाइफ स्पेन जैसे होता है, यस, तो ये स्पेन जो है नाउन होता है, याद रखिएगा, ठीक है? आपका जो वर्ड है इसको एकदम याद रखेगा, ये आपको एकदम याद रखना है कि सर बहुत बफर हो रहा है मोहम्मद कैब जी, मेरे तरफ से तो बफर नहीं है, आपका नेट खत्म हो गया होगा आई थिंक, ठीक है, मेरे यहाँ तो चल रहा है अच्छे से, एकदम मस्त चल रहा है, आपका हो सकता है कि बफर इस वजह से हो रहा है, मेरे यहाँ तो चल रहा है, देख रहा हूँ मैं, याद दिख रहा है सब चीज़, तो मेरे यहाँ कोई इशू नहीं है, आपका हो सकता है कि नेट गड़बड़ होगा, मेरे यहाँ सब चीज़ सही है, ठीक है, हमारे यहाँ सब चीज़ सही है। चलिए अब देखो ये जो है ना ये वर्ड स्पिन है, ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि स्पिन, सपोज कीजिए यू आर स्पिन बॉलर, ठीक है, अगर सिंपली लिखा हुआ है क्या समझे, ये अगर कहीं लिखा हुआ है ए स्पिन बॉलर, ठीक है, कहीं लिखा हुआ ए और उसका मैं लिखता हूँ ये स्पिन बॉलर, तो ए स्पिन बॉलर अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो यहाँ भी क्या ना कि स्पिन बॉलर अगर एक साथ लेते हैं कंपाउंड नाउन है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड नाउन होगा, कोई दिक्कत, स्पिन बॉलर, ठीक है, याद रखिए स्पिन बॉलर जो है उसमें आप स्पिन और बॉलर एक साथ हो जाए तो ये हमारा क्या होगा, याद रखेंगे, ठीक है, ये नाउन हो सकता है कंपाउंड, एक छोटा हमारा स्पेंड, याद रखिए स्पेन के बारे में लीजिए, ये जो वर्ड हमने बताया स्पेन उसके बारे में आप समझ लें, ये स्पेन जो वर्ड होता है, ठीक है, इसका मीनिंग स्पेन हमेशा पूछता है और स्पेन का मीनिंग होता है वो क्या होता है टाइम के लिए यूज करता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे स्पेन ऑफ टाइम तो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये आपको याद रखना है स्पेन का मीनिंग, ये याद रखिए। चलिए अगला आपका वर्ड है स्टैंड, ठीक है, तो स्टैंड जो है इसका वी2 में बहुत गलती करता है, बहुत लोग गलती करते हैं, सही एग्जाम में गलती आती है, तो ये याद रखना है स्टैंड में खराब होना और स्टूड स्टूड होता है, ठीक है। दूसरी बात की अगर स्टैंड दिया है तो अगर इसके पीछे अंडर लग जाए तो अंडरस्टैंड माने समझना होता है, उसका भी वी2 होता है अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ये आपको ख्याल रखना है, वर्ड को यहीं से पिक कर लेना है। अब देखो क्या लिखा है ना, ये अगर लिखा है स्टूड स्टूड ये तो सही है, लेकिन ये जो आपका वर्ड है स्टैंड, जरा इसके बारे में सोचा जाए कि ये जो वर्ड आपका स्टैंड है ये आपका वर्ड के अलावा क्या होता है, ये वर्ड के अलावा नाउन भी होता है, ठीक है, ये वर्ड के अलावा क्या होता है नाउन होता है, जैसे कहीं लिखा हुआ बस स्टैंड, तो आपने सुना होगा बस स्टैंड, यानी क्या बस पड़ाओ, बस स्टैंड मीन बस पड़ाओ, जहाँ पे बस रुकती है उसके लिए बस स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, नाउन हो गया सर, समझे, रिचार्ज कर लिया सर, हाँ ओके, चलिए कोई इशू नहीं,
ध्यान देंगे अगला वर्ड हमारा जो है स्टैंड है, याद रखेंगे ये तो हो गया स्टील वर्ड है आपके पास। तो देखिए आपका ध्यान समझेंगे, देखो अभी तो मैं बी4 को लेकर नहीं चल रहा हूं, लेकिन जो मैं बुकलेट दूंगा ना वहां पे आपका बी4 भी है, एडजेक्टिव रूप में मिलेगा, सारा चीज आपको लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। याद रखिएगा बी4 जो है स्टैंड जैसे, तो स्टैंडिंग समझे, तो आपका जो याद रखिए स्टैंडिंग वर्ड जबरदस्त है, समझे स्टैंडिंग जो है जबरदस्त वर्ड है वो आपको मिल जाएगा। बफ कर रहा है सर, अबे यार बफ नहीं कर रहा है, गेट खत्म हुआ। चलिए आगे देखें, कोई बस रहा है ये स्टैंड, मतलब बोल रहा हूं कि स्टैंडिंग भी वर्ड होता है, ठीक है। जैसे आपका स्टैंडिंग कहीं लिखा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी, सही है, आपने सुना होगा कभी कभी स्टैंडिंग कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, तो स्टैंडिंग कमेटी अगर लिखा है तो यहां स्टैंडिंग जो है और कमेटी के साथ जो है कंपाउंड होना, क्या मतलब स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये हो सकता है कि या तो कंपाउंड और या स्टैंडिंग ऑडियंस, अगर अलग अलग कर देंगे तो स्टैंडिंग क्या हो जाएगा, अगर अलग अलग हो जाए स्टैंडिंग ऑडियंस तो स्टैंडिंग ऑडियंस का मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग ऑडियंस बोला है बच्चा, तो कोई वर्ड आप लिखो अगर अलग अलग बिना हाइफन का तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, बिना हाइफनेटेड है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे हाइफनेटेड तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा हाइफनेटेड हो तो नाउन हो गया, बिना हाइफन का तो एडजेक्टिव हो जाएगा बिफोर एडजेक्टिव, ये एकदम ये दिमाग रखने के बाद, ठीक है। चलिए तो ये स्टैंडिंग होता है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टिक, ये अच्छा वर्ड है स्टिक, स्टक, स्टक, ठीक है। तो आपका स्टिक जो वर्ड है पहले इस चीज को देखें, स्टिक वर्ड जो है हम जानते हैं कि ये आपका वर्ब है और ये नाउन भी होता है, स्टिक में क्या होता है छड़ी, ठीक है, और वो वही छड़ी जिसे मास्टर जी कुटाई करते हैं बच्चों का, ठीक है। तो छड़ी ये याद रखिएगा मीनिंग रचना प्रजा पति क्या बोले, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है जो कमेटी अभी सही किसी चीज के लिए गठित किया गया उस पर काम करती है तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी किसी भी चीज के लिए बनाई जाती है कमेटी जो आपको उस पर वर्क करती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन समथिंग, ये भी याद रखना कमेटी ऑन लेता है, कमेटी ऑन समथिंग, कमेटी ऑफ नहीं, कमेटी ऑन समथिंग, जिस सही जिस चीज के लिए जिस मुद्दा के लिए कमेटी बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ऐसे यूज किया जाता है कमेटी, सही है, द कमेटी ऑन समथिंग, एकदम आपको याद रखना द कमेटी ऑन समथिंग, ठीक है, द कमेटी ऑन समथिंग, ये आपको याद रखना होगा। तो कमेटी ऑन समथिंग याद रखें, जैसे कहीं भी अगर है तो देखिए याद रखिएगा इस रूप में द कमेटी, कमेटी ऑन समथिंग, कमेटी के साथ प्रीपोजिशन जो होता है वो ऑन लेता है अगर किसी भी चीज के लिए कमेटी बनाया गया, बट ऑन लेता है कमेटी ऑफ नहीं, ये स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन है, समझे, ये दिमाग रखिए। ये क्या लिख रहा है भाई, विक्की कुमार हैप्पी बर्थडे सर, क्या लिख रहा है हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे आज बोला हैप्पी बर्थडे सर, क्यों भाई विक्की कुमार क्यों बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे क्या, हैप्पी बर्थडे तुमको कर दे। चलो आगे देखें, आगे देखें आपका जो है वो स्टिक जो है नाउन होता है छड़ी भी होता है, नेक्स्ट वर्ड स्टक है और स्टक, ठीक है। ये याद रखिएगा ये स्टिक जो है प्रीपोजिशन आपको बहुत अच्छा इसके साथ मिलता है, स्टिक के साथ प्रीपोजिशन जो है सबसे ज्यादा इन मिलता है, ठीक है, स्टिक इन, ठीक है, किसी चीज में चिपक जाना कहीं लटक जाना तो स्टिक इन समथिंग, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक जो हमेशा आपको मिलेगा वर्ड idiom के रूप में स्टिक टू वंस, ठीक है, स्टिक टू वंस क्या लिखा, स्टिक टू वंस गन्स, ये सुना होगा, ये स्टिक इन तो मिलेगा, ये idiomatic expression मिलता है स्टिक टू, रटा मार लीजिए स्टिक टू, ठीक है, समझे, ये आप याद रख लो, ये जो आपका वर्ड है ये याद रखिए स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक के साथ टू प्रीपोजिशन मिलेगा, समझे, ये जो है गम लेकिन ये idiomatic expression में स्टिक टू जो चीज आपका है, ठीक है, उस पे आप कायम रहना, स्टिक टू कुछ भी बोल दे, स्टिक टू वंस कोई भी, स्टिक टू वंस प्रिंसिपल्स जो आपका सिद्धांत है उस सिद्धांत पे, ठीक है ना, लगे रहना, मतलब लगे रहना के लिए कि उस पे ही रहना, दैट इज कॉल्ड स्टिक टू, ठीक है, समझे, विक्की कुमार वाला बर्थडे हैप्पी बर्थडे होगा, ठीक है, ये आप याद रखिए स्टिक टू वंस प्रिंसिपल्स, ये याद रखिएगा, चलेगा। और ये स्टिक टू के बदले मैंने जो स्टिक की लिखा है, जैसे आप कहीं फंस गए तो स्टिक इन मड, ठीक है, स्टिक इन मड, अगर ऐसा हुआ मैं कहां फंस गया तो मड में फंस गया, बस समझे, तो स्टक वहीं से बनता है, स्टक इन क्या रखेंगे, तो स्टक के साथ भी प्रिपरेशन इन मिलेगा, कहीं अगर फंस गए तब, कहीं फंस गए हो तब, कहीं फंस गए हो तो फंसना के सेंस में स्टक इन यानी स्टिक इन, लेकिन अगर किसी प्रिंसिपल सिद्धांत पे आपको क्या अरे रहना है तो स्टिक टू, ठीक है, स्टिक टू वंस प्रिंसिपल क्या बोले बी फॉर्म, हां बोल सकते हैं बी फॉर्म, ठीक है, फॉर्म होना किसी तरह से, तो ये लगेगा अगला वर्ड हमारा स्टिक है, ये अच्छा वर्ड, ठीक है, ये स्टिक जो वर्ड है ना, और जिस तरह से स्टिक टू होता है अगर प्रिंसिपल के लिए तो उसी तरह इसका भाई होता है, उसका नाम है क्लिंग टू, CLING cling to, याद रखिएगा CLING cling to, cling to one's principle, CLING cling to, याद रखिएगा, तो ये भी याद रखना cling to। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टिक, स्टिक मींस क्या होता है, स्टिक स्टक, ये खतरनाक वर्ड है, एग्जाम में खूब पूछा है, जिस तरह से स्टिक का स्टक होता है, स्टिक का स्टक होता है, ठीक है, और आपको याद रखना कि स्टिक का मतलब डंक मारना, ठीक है, ये डंक मारने के लिए होता है, हां सही बोले साथ में, जितने भी फंसने वाला वर्ड है उसमें प्रिवेशन ही नहीं लेता, ठीक है, अगर आपको यहां भी जाना है तो भी बता देते हैं कि कहीं भी आप फंसे रहे तो फंसने वाला जितना भी वर्ड है ना, कहीं भी फंसने वाला जो फंसने वाला वर्ड है, ठीक है, फंसने वाले वर्ड्स, ठीक है, बोला जाए वाले वर्ड्स अगर हम एडजेक्टिव के फॉर्म में देखें तो वो प्रिपोजिशन ही नहीं लेता, कहीं अगर फंसे हो, ठीक है, जैसे हमने बोला स्टक इन, आई वाज स्टक इन द, कहीं बोलते हैं स्टक इन व्हाट, इन द क्राउड, कहीं लिखा है स्ट्रैंडेड इन, स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड भी आपको फंसने के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रैंडेड इन, अगला मैं बोल लिखा हूं कहीं अगर फंसे इन मेस्ट इन, ठीक है, इन मेस्ट इन, अगर मैं लिखो तो लिख सकता हूं इंटेंगल्ड इन, ठीक है, इंटेंगल्ड इन, ये जितने वर्ड है ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है और जितने वर्ड फंसने वाला वर्ड है उसके लिए लिखते हैं, ठीक है, सर जी कल की क्लास क्यों बंद हो गई, ये एमजी वाले जाने उन लोग की तरफ से छुट्टी रहेगा, सही रहा, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख छुट्टी, आपकी क्लास 4 से होगी, जान लो आपकी क्लास अब जो चलेगी वो आपका देखो 1 2 3 ये 3 दिन छुट्टी है मेरे भाई लोग, आप लोग मस्ती कर ले, रिवाइज कर लेना, 3 दिन छुट्टी है आपकी क्लास चलेगी 4 जनवरी से, ठीक है ना, यानी 4th जनवरी से आपकी क्लास रिवी स्टार्ट होगी, समझे, ये दिमाग रख लो, ये आपकी छुट्टी है मेरे भाई, ठीक है, और 1 2 3 यानी 1 2 3 छुट्टी है और आपको कब आना है 4th जनवरी से, ठीक है, जब तक आप पीडीएफ नहीं डालो सर, हाँ पीडीएफ डालेंगे, ठीक है, अमन कुमार पूछ देंगे समझे कि नहीं, जाना नाम दिया ना, एक तरीका क्या न्यूयॉर्क में चिकन विकन का नाम देगा तुमका, समझे नहीं, चलिए याद रहेगा, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये आपको याद रखना है कि ये वर्ड्स जो है जितने भी आपको फंसने कहीं फंसे हुए हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, स्टक इन थर्ड फॉर्म ही है एडजेक्टिव, स्टैंडर्ड इन हमेशा मिलता है, इन्वेस्टेड इन टैंगल्ड इन, ठीक है, ये याद रखेगा, याद रहेगा, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है वो है आपका स्टील है, ये हो चुका ना, स्टील हो चुका है, स्टोलेन, अगला लिखा स्ट्राइक, ये अच्छा वर्ड है, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ठीक है, साथ में स्ट्रिकन भी है, ये तो है बी2 और बी3 के रूप में यूज करते हैं मेन वर्ड, और ये जो वर्ड है ना आप स्ट्रिकन इसको हम एडजेक्टिव में यूज करते हैं, इसमें एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, कैसे जा देखेंगे, कैसे एडजेक्टिव में इसको मिटाते हैं हम, कैसे इसको एडजेक्टिव में यूज करते हैं देखेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ है सपोज कीजिए, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है क्या, ये आप स्ट्रक, स्ट्रक जो है ये चोट मारना होता है, या तो चोट मारना होता है या मतलब देखिए चोट मारना, ठीक है, चोट मारना स्ट्राइक, ठीक है, और ये जो वर्ड है ये वर्ब के अलावा नाउन भी होता है, ठीक है, स्ट्राइक जो है ये वर्ब के अलावा नाउन भी होता है, क्यों, अरे मेरे कहने से क्लास थोड़ी चालू हो जाएगा रंजन कुमार, क्लास आपको चार्स होगी, ये छुट्टी जो है ना ये एमडी कंसेप्ट ऐप की तरफ से है, असल ऑफिशियल छुट्टी है, जितने भी ऑफिस के स्टाफ है सबका छुट्टी दिया गया, वहाँ से छुट्टी है, छुट्टी मेरे तरफ से कुछ नहीं है, रखेंगे मेरा इंग्लिश डाउट कैसे करें शेयर आपसे, अच्छा इंग्लिश डाउट कैसे शेयर करें, तो शेयर करने के लिए करना जी आपको क्या करना पड़ेगा,
जी अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो मेरे मैसेंजर पे डाल देना ठीक है मैसेंजर आप अगर फेसबुक यूज करते हो तो मैं फेसबुक पे इसी नाम से हूं सुशील कुमार पंकज ठीक है आप सर्च कर लेना और आप क्या करना देख लेना ऑफिस एट पटना हाईकोर्ट मेरे मैसेंजर पे क्वेश्चन डाल देना अगर पर्सनल लेवल पे करना है तो ठीक है पर्सनल लेवल पे करना है तो आप मेरे मैसेजर पे डाल देना कोई इशू ठीक है करण करना मत कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेजर पे डाल देना मेरा फेसबुक जो आईडी है ना सुशील कुमार पंकज इस पे आप मेरे क्या करो मैसेजर पे क्वेश्चन डाल देना अभी नहीं चलाता हूं सर हां अच्छा अभी नहीं चलाता अब अभी नहीं चलाते हो तो तुम क्या करो टेलीग्राम पे डाल देना इंग्लिश डाउट सेल में वहां पर जवाब मिल जाएगा ठीक है याद रखिएगा कोई दिक्कत एमडी पंकज मिश्रा जी अरे सर आप नॉनवेज नहीं खाते हो बात वो नहीं आने खाने की बात नहीं है अब क्या नए साल की शुरुआत करोगे नॉनवेज चलो ये देखो ध्यान से ये आपने बोला कि ये स्ट्राइक जो भर के साथ नाउट भी होता है स्ट्राइक मतलब कहां बोलते हो जैसे क्रिकेट बोलते हैं स्ट्राइक रोटेट करना ठीक है ये स्ट्राइक अच्छा है तो इधर जैसे इंडिया टीम पे स्ट्राइक अच्छा चल रहा है बात समझे तो याद रखिएगा तो स्ट्राइक जो है आपका नाउट भी होता है या जैसे आप बोलते हैं कि स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए या बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर का स्ट्राइक अच्छा था स्ट्राइक रेट तो आपको उस सेंस में भी जान लो ठीक है आपको क्या जाना है कि ये जो है ये ध्यान देना कि स्ट्राइक नाउट भी होता है ठीक है या अगर ऐसे नहीं समझो तो स्ट्राइक आपने सुना होगा हड़ताल हड़ताल समझते हो जैसे अभी किसान लोग हड़ताल पे गया हुआ है ठीक है इस रूप में हड़ताल पे समझ लो हड़ताल कर रहा है मामा तो ये स्ट्राइक जो है हड़ताल आप सुने होंगे हड़ताल ने सब कुछ बंद कर देना ठीक है अबे नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पर आपका चैनल मेरा टेलीग्राम पे चैनल ये वाला मिलेगा एक चैनल मेरा है इंग्लिश ठीक है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर खोलो इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर ये खोजना बाय ऑफिसर सुशील सर इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर ये टेलीग्राम चैनल का नाम है और उसी में लिंक डाल दिया है ठीक है इसका डाउट सेल का वरुण कुमार देख लीजिएगा स्ट्राइक मीन्स आपको बता देते हैं नाउन के रूप में स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल जब इसका वर्ब हो जाए ना वर्ब तो इसका मीनिंग होता है हड़ताल करना अगर वर्ब की बात करें तो हो जाएगा हड़ताल करना ठीक है जब वर्ब की बात करें तो हड़ताल करना इसलिए इसका दो तीन मीनिंग होता है स्ट्राइक मीन्स मतलब चोट करना हड़ताल करना वर्ब के रूप में अगर बात करें तो स्ट्राइक का मतलब आपको ये हुआ नाउन के रूप में हड़ताल से भी ठीक है याद रखेंगे दूसरी बात है कि स्ट्राइक स्ट्रक और ये तो वी टू वी थ्री स्ट्रक स्ट्रक थर्ड फॉर्म एसटी है ना एसटीआईसी के एसटी के इसको बताना चाह रहा हूं इसको बताने के लिए क्या सुनेंगे अगर कहीं लिखा हुआ है क्या सुनिएगा द पेन मैंने लिखा द पेन स्ट्रिकन फैमिली ठीक है द पेन स्ट्रिकन फैमिली अगर ऐसा कुछ लिख दिया द पेन स्ट्रिकन फैमिली अब देखो अब यहां पे क्या है कि फैमिली जो है नाउन है ठीक है दो जो है मार्टी माइनर है अगर आपसे पूछा जाए कि पेन स्टिकन क्या है तो आपको बोला है कि हाइफनेटेड के बाद जो है उसके ऊपर चलता है या स्टिकन जो है ये वी3 एडजेक्टिव है तो ये पेन स्टिकन एज ए होल क्या होगा पेन स्टिकन एज ए होल होगा ये एडजेक्टिव होगा पेन स्टिकन एज ए होल क्या होगा एडजेक्टिव होगा सही है आप याद रखिएगा कि पेन स्टिकन फैमिली क्या मतलब हुआ दर्द से ग्रसित परिवार ठीक है दर्द से ग्रसित या दर्द ग्रसित परिवार ऐसे बोलेंगे सही है जिस फैमिली में किसी का मृत्यु हो गया है तो उस परिवार को क्या बोलेंगे दर्द ग्रसित परिवार हो सकते हैं ना पेन स्टिकन फैमिली ये सेंस है इसका ठीक है तो विकी कुमार ये क्या बोले भाई वर्ल्ड बेस्ट टीचर फिर मैंने कल बोला था ना कि ये वर्ड्स जो है ना देखो वो वर्ड्स यूज करो ना कि जो चलेगा वर्ल्ड बेस्ट टीचर अब इतना बड़ा टैग नहीं दे दो मेरे को ठीक है भाई वैसा नहीं एक बढ़िया मास्टर ठीक है एक सीधा साधा बोला वाला मास्टर नहीं बहुत ज्यादा तामझाम सही है बस पढ़ाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते पढ़ाना जानते हैं लगभग तो कोई मतलब नहीं है मुझे और ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ पढ़ाने के अलावा जो मिला है उसी में कुछ हूँ ठीक है बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमें जो है उसमें कुछ है चलिए तो ये याद रखेंगे तो वर्ल्ड बेस्ट टीचर वगैरह ये सब आपको बताया पटना में फेसबुक में कुछ टीचर्स का लिखा था कुछ बच्चे कमेंट करते वर्ल्ड बेस्ट टीचर ये वो हमको हंसी आता था मैं पूरी अपने बच्चों को बताऊं कि भाई वर्ल्ड बेस्ट टीचर ये सब क्या अच्छा नहीं है आप बोले लिखना जो लिख ले सही है ये फालतू बातें ना लिखो वर्ल्ड बेस्ट टीचर अरे मैं इतना संभाल नहीं पाऊंगा मैं बहुत फोकट वाला आदमी सिंपल आदमी मैं पढ़ाता अच्छा हूं आपका रिजल्ट हो जाए आप कामयाब हो जाए ठीक है और जब कामयाबी का बोले आप दे सकते हो श्रेय दे सकते हो कि आई वो माई ठीक है आई वो माई सक्सेस टू माई टीचर सुशील सर ये बोल सकते हो लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए ठीक है उससे ज्यादा फालतू चीज लेकर क्या करेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग ये जो है दर्द ग्रसित एक शॉर्ट जो है हमारा ग्रसित हो गया ना ये स्टिकन था ये याद रखेंगे ये स्टिकन सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं याद रखेगा ये सिंपल एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं ओके अगला वर्ड अच्छा है वो है हमारा स्वेयर ठीक है ये देखिए वर्ड हमारा ये काफी अच्छा वर्ड है स्वेयर जो है देखिए वर्ड हमारा नंबर ये देखिए स्वेयर ये वर्ड आपका स्वेयर जो है ना ये कैसे चलेगा तो जिस तरह से हमारा वर्ड जो है इसमें अगर इस वर्ड को निकाल दिया जाए वेयर को तो वेयर हम जानते हैं कि वेयर वेयर वोर और वॉन्ट होता है ठीक है तो उसी वर्ड को कर दिया कैसे लगा दिया स्वेयर मीन्स क्या होता है कसम खाना होता है स्वेयर मीन्स कसम खाना होता है ठीक है समझे ये आपका स्वेयर मीन्स क्या होता है कसम खाना होता है ठीक है ये लगेगा तो ये लगेगा समझ में चलिए तो ये जो वर्ड है वेयर तो वोर हो गया और देखो क्या लिखा हुआ ये स्वॉर्ड लिख दिया जो कि गलत है आप इसको ठीक कर ले यहाँ होगा एस डब्ल्यू ओ आर एन ठीक है स्वॉर्ड होता है ये याद रखेंगे एस डब्ल्यू ओ आर एन स्वॉर्ड होता है ठीक है ये याद रखिए वो डी लगा गलती कर दिया स्वॉर्ड नहीं होता तलवार हो जाता है ठीक है ये आपको क्या हो जाता है तलवार हो जाता है ये याद रखेंगे तो ये याद रखेगा तो लेट हो गया सर राजकुमार क्या भाई राजकुमार तिरंगा का हीरो कहाँ लेट हो गया राजकुमार तिरंगा का हीरो कहाँ गया ठीक है तो ये है सर आप बहुत कुछ सीखने को मिला मिल भी रहा है तो हम स्टूडेंट के लिए आप तो वर्ल्ड के बेस्ट टीचर ही हुए कोई बात नहीं आपको जो समझना समझो ठीक है अगला देखते हैं ये स्वेयर जो है ना स्वेयर स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्वेयर इसका कसम करना ठीक है आई स्वेयर बोलो ना कि मैं कसम करता हूं किसी भी चीज का कसम करता हूं तो ये स्वेयर वर्ड काफी अच्छा है क्या लगेगा ये काफी अच्छा वर्ड है ये याद रखेगा ठीक है तो ये आपको याद रखना और साथ में ये याद रखना कि इसका थर्ड फॉर्म बहुत अच्छा है स्वॉर्ड ठीक है एस डब्ल्यू आर एन एकदम याद रखेंगे ठीक है भाई एक्सेप्ट करता हूं आप लोग जो भी टैग देते हैं एक्सेप्ट करते हैं ठीक है फिलहाल बने तो स्वेयर स्वॉर्ड स्वॉर्ड हो गया ये आपका बेहतरीन वर्ड है जैसे आपको एग्जाम में देखिए जैसे जब राजनीति की बात करें ना जब भी राजनीति की बात करें जब भी इलेक्शन की बात होती है उस समय पॉलिटिशियंस ना जितने भी नेता लोग ना पाप पैसा पर कसम खाया पूरी आम जनता की कसम खाता हूं मैं जब सत्ता में आऊंगा मैं जब विधायक बन के आऊंगा मैं जब मुखिया बन के आऊंगा सही ना हर घर में समझो वो सब कुछ बोलता है हर घर में एक नई गाड़ी दे दूंगा फोर व्हीलर दे दूंगा तो ये जो बातें ना स्वेयर करता है लोग कसम खाकर बोलता है तो ये जो बोलता है ना ये सब आपका फालतू बात है ठीक है ये आपको जैसे कुछ भी बोल सकते हैं कि आवर ऑनरेबल पीएम देखो मैं लिख रहा हूं बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आवर ऑनरेबल पीएम हैज स्वॉर्ड कुछ भी बोल देते हैं स्वॉर्ड ठीक है स्वॉर्ड इन 2014 कसम खाए थे भाई क्या जी 2014 टू सही है टू गिव इंप्लॉयमेंट ₹10 lakh, 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 ₹10 l
और कुछ और ये
डीपीसीएम में कौन-कौन रेनी देवो ताकेश्वर प्रसाद यस सही बोलो करंट करावत गया ये जीकेन क्वेश्चन याद करो ठीक है बोलो ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़े हम लोग अगला देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो क्या है वो देखिए आपका स्वीप नहीं स्वीप है ठीक है स्वीप है स्वीप है स्वीप अच्छा वर्ड है डबल ई है देखिए इसमें क्या होना एक ही खट्टी और टी लग गया याद है ना जैसे आपने पढ़ा हुआ पीछे वीप वीप भी याद पढ़ा पीछे तो अभी पढ़ लो वीप जो है आपका वीप माने क्या होता है रोना ठीक है तो वीप वेप सेम कहानी है स्वीप का भी ठीक है ये याद रखने का वेप वेप सेम कहानी आपका हां ये मात्र पढ़ लो काफी होगा ठीक है आपका जो फर्स्ट बुक दिया है बहुत है सर ऐसा पढ़ाई कि ये स्टोनो 190 आ जाए आ जाएगा 190 भी आ जाएगा पहचान लो चलिए आगे देखिए स्वीप स्वीप ये दिमाग लगे अगला वर्ड है स्वीप यहां समझेंगे स्वीप माने क्या होता है सही है स्वीप माने तो जो आपका मतलब क्या झाड़ना स्वीप करना झाड़ू लगाना उस सेंस में यूज करते हैं सही है स्वीप करना मतलब क्या झाड़ू बाहर ना करते हिंदी में बोलते हैं बाहर ना ठीक है जैसे झाड़ू बाहर झाड़ू से बाहर किसी से करो तो ये याद रखेगा ठीक है सर कौन सा बुकलेट और कहां से दिया है सही है प्री बुकलेट में दिया ना पीडीएफ डाला हुआ है ठीक है अब देख लो अगला वर्ड दिया स्वीप स्वीप का देखो स्वाम स्वाम ये इंपॉर्टेंट है इससे बच्चे गलती करते हैं स्वाम और स्वाम ठीक है एएम उसका क्या होगा अगला आपका दिया है देख लो स्वाम भी है ठीक है ये याद हो सर इंग्लिश लेक्चर को हिंदी में सर इंग्लिश लेक्चर को हिंदी में क्या मतलब नहीं समझ आ रहा क्या रजन को बोलो स्वीम स्वाम स्वाम ठीक है स्वीप तो आप जानते हो ना ठीक है स्वीप मैंने बता दिया बाहर ना ये सेंस होता है क्रिकेट शॉट वो अच्छा अगला वर्ड आपका दिया स्विंग ध्यान दीजिए स्विंग स्वांग स्वांग ये काफी इंपॉर्टेंट है स्विंग मींस क्या झूलना ठीक है स्विंग मींस झूलना ये याद रखिएगा और ये आपका जो V2 और V3 ये ज्यादा अच्छा है स्वांग स्वांग ठीक है ये दिमाग रखना अच्छी तरह से स्वांग स्वांग जैसे मैं कुछ कर दे दूं इस स्टेप से कुछ भी कर देंगे क्या द स्वांग ठीक है द स्वांग बॉल समझ लो आपको बताना कि यहां पांचवें स्पीच क्या है ये पीएस में क्या है क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया बॉल स्विंग करता है ठीक है ऑस्ट्रेलिया में बॉल स्विंग करता है ऐसा स्विंग किया 36 पे ऑल आउट तो मैं लिखाऊं क्या द स्वांग बॉल यहां कहीं लिखा हुआ है द स्विंगिंग बॉल लीजिए द स्विंगिंग बॉल अगर हम बोल रहे हैं ऐसा करके द स्विंगिंग बॉल अब आपको बताना है यहां पे स्विंगिंग है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपको ये सब बुकलेट में लिखा रहेगा ठीक है स्विंग अगर लिखा है द स्वांग बॉल इसका मतलब क्या जो बॉल क्या हुआ स्विंग झूलते हुए यानी झूला हुआ बॉल घूमता हुआ घुमा हुआ बॉल ये हुआ स्वांग बॉल जिसमें आउट हुआ स्विंगिंग बॉल मतलब कि घूमता हुआ बॉल ठीक है नाचता हुआ बॉल ठीक है जग छोटा हुआ बॉल ये हुआ समझे अच्छा रजन कुमार बोल रहे हैं कि लेक्चर को हिंदी में क्या नहीं समझ आ रहा रजन खुल के बोले सर इंग्लिश लेक्चर को हिंदी नहीं समझ आ रहा क्या खुल के बोलना चाहते बोलिए रजन जी आप क्या चाहते हो आप चाहते हो कि इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में बोले ये चाहते हो तो भाई साहब इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होगा तब तो आप समझ लो क्या होगा एक बच्चा रजन कुमार बोला कि सर इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए तो भाई साहब इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो आप जान लो मेरे भाई कि आपका क्या होगा कि बच्चे जो है ना सब भाग जाएंगे ठीक है जो बच्चे कुछ बच्चे ना वही भाग जाएंगे हमारे ठीक है अगर मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाऊँ तो बच्चे फिर मुझसे क्यों पढ़ने आएंगे सर जो बुकलेट दिया ना उसको पढ़ाएंगे ना पर 38 वर्ड 65 पढ़ने हैं हाँ पढ़ाएंगे सारा वर्ड पढ़ाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो हमारा टीयर ठीक है टीयर टोर टॉर्न ध्यान दीजिए टीयर मीन फारना होता है ठीक है फारना टीयर तो टीयर अगर दिया ना समझो तो ये जो है ना अगर आपको दिया ना ये ध्यान समझेंगे ये जो वर्ड दिया टीयर समझे फारना होता है तो टीयर और इसका वी2 वाला साथ आ रहा है टीयर डोर डॉट ओ आर ठीक है बच्चे इसमें गलती करेंगे वैसा खासकर इसका जो वी2 है उसमें बहुत गलती करता है तो टीयर जैसे होता है वैसे आपको बताया था वियर ठीक है वेयर फॉर और उसका क्या बताया था वर्ड तो आप एक टाइप कर लीजिए वेयर फॉर व्हाट तो टीयर डोर डॉट सेम स्टाइल ठीक है ये दिमाग लीजिए अच्छी तरह से अब जो टीयर दिया ना आप इसको चाहे कुछ लिख सकते हैं जैसे टॉर्न को यूज करें लिखते हैं तो टॉर्न लेटर्स सही ना शादी के पहले अगर शादी किसी की होने वाली है तो शादी से कुछ दिन पहले क्या करता है ना जो बंदे होते हैं ना शादी से जस्ट पहले अपने जितने भी पुराने लेटर्स होते हैं ना उसको क्या करते हैं ये करते हैं देखो द टॉर्न लेटर्स ठीक है द टॉर्न लेटर्स ऑफ द बिलोवेड अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो क्या मिल गया द टॉर्न लेटर्स ऑफ द बिलोवेड क्या मतलब अच्छा बस समझे तो ये याद रखने का अच्छा इंग्लिश को ऐसे पढ़ाइए किसी लेक्चर को हिंदी अनुवाद करने प्रॉब्लम है ओके ये बोलो खुलिए अब बताओ तो रंजन को तुमको बताना है ये कि बताओ ये जो मैंने लिखा इसका क्या मीनिंग है द टॉर्न लेटर्स ऑफ द बिलोवेड क्या मीनिंग है बता दो मेरे भाई और याद तुमको पांचवें स्पीच का बताना है द टॉर्न लेटर्स ऑफ द बिलोवेड सही है बस समझे ये क्या सेंस है बताना द टॉर्न लेटर्स ऑफ द बिलोवेड देखिए बिलोवेड की जहां तक बात है ना ये दोनों के लिए यूज करते हैं प्रेमी और प्रेमिका ये याद रखिएगा प्रेमी के लिए भी लड़का के लिए हो सकता है प्रेमिका के लिए हो सकता है दोनों के लिए हो सकता है इसलिए आप इस चीज को देख लो ध्यान से ठीक है जबकि ये V3 लग रहा है लेकिन पर्सन के लिए यूज करते हैं ठीक है बिलोवेड जो है पर्सन के लिए यूज किया जाता है याद रहेगा और विकी कुमार बोल रहा है कि यहां टॉर्न जो मेन वर्ब है दिखता है थप्पड़ माने चक्का सना दिमाग ठंडा हो जाएगा लिखा था टॉर्न डिटरमाइनर ठीक है लेटर्स नाउन हुआ पुलर नाउन डिटरमाइनर नाउन के पीछे कौन होता है एडजेक्टिव होता है लगाएंगे और प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है नाउन होता है और ये तो क्या आज के डिटरमाइनर है समझे ये याद रखिएगा और ये बिलोवेड जो है ना ये V3 एडजेक्टिव मत कहिएगा या बिलोवेड पर्सन के लिए यूज होता है ये मतलब जैसे accused AWCUSED पर आता है accused जो होता है दोषी के लिए यूज करते हैं ठीक है जिन पे आरोप लगता है आरोपी बोलते हैं उसको याद रहेगा बात समझ आ रहा है ये दिमाग रख लेना अच्छे से जान लो ठीक है कोई दिक्कत चलिए बोलो बड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है सर 1 month लेट हो गया कैसे कंप्लीट होगा मुकुल बिस्ट अच्छा मुकुल बिस्ट जी अरे भाई अभी 3 दिन का छुट्टी दे रहा हूँ उसको रिवाइज कर दो पीछे से पूरा ठीक है समझ लो हाँ अंबेडकर जो अच्छा हिंदी बोले इसका ठीक है ये अंबेडकर बच्चा एक बच्चा बोला अच्छा हिंदी है क्या बोलता है कि द टॉन लेटर्स ऑफ द बिलोवेड कंपनी का प्रेमी या प्रेमिका का फटल पत्र सही है फटल पत्र सही है या फारल पत्र ठीक है याद रखिए आप इटू मेरा जी नमस्ते चलिए ये जो है ना फारल पत्र ठीक है फारना तो फारल या फटल जो लिखना फारल बोले जाना चाहिए प्रेमी या प्रेमिका का फारल पत्र ठीक है लेटर से तो ये याद रखना आपको एडजेक्टिव तौर पे यूज करते चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हमारे पास देखिए नेक्स्ट वर्ड है थ्रो देखिए थ्रो मींस फेंकना होता है सिंपली थ्रो फेंकना ठीक है कल एक वर्ड पढ़ा था सीएसटी कास्ट कास्ट से फेंकना होता है तो थ्रो थ्रू थ्रो होता है देखिए इसमें गलती जनता बच्चा ये करता है थ्री के साथ साथ में आप जान लो कि थ्रो जो है ना थ्रो नाउन भी होता है ठीक है थ्रो जो है नाउन भी होता है जैसे कोई बॉल थ्रो किया बोलते ना गुड थ्रो इट वाज ठीक है इट वाज अ गुड थ्रो कहीं लिखा हुआ है इट वाज अ गुड थ्रो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप बताओ यहां थ्रो क्या आपको बताना कि यहां पार्ट स्पीच में क्या है बस और ये तो मैं पढ़ाने को पढ़ा रहा हूं आपको एक बुकलेट मिलेगा जिसमें सारी चीजें लिखी है इतनी है वो पीडीएफ सही ना मैं अपने ऑनलाइन बैच में बच्चों को सारा चीज देता हूं सारा चीज लिखा है जीरो फॉर्म सारा चीज देगा मैं जैसे देखो इसी वर्ड को क्या यूज करूं देखो एक वर्ड का थ्रो रहना कैसे कैसे रहेगा जैसे मैंने बता दिया नाउन हो गया ठीक है फिर मैं इसको थ्रो को बनाऊंगा तो लिखूंगा क्या कि बच्चों ऐसे लिखा है बुकलेट पे द थ्रोन देखो ऐसे रहेगा द थ्रोन ऐसे क्या रहेगा द थ्रोन बॉल ठीक है द थ्रोन बॉल अब पूछूंगा क्या थ्रोन क्या है मैं ये सब बताता हूं क्लास में ठीक है ये मेरे क्लास में ऑनलाइन बैच में मैं करा चुका हूं सारा चीज बच्चे किए थे द थ्रोन बॉल अब मैं लिख दूं स्टेटमेंट कि थ्रोइंग द बॉल द थ्रोइंग द बॉल ऐसे लिखो थ्रोइंग द बॉल ऑन द ठीक है ऑन द विकेट थ्रोइंग द बॉल्स
या बॉल लेगा ऑन द विकेट ईजी आर होगा ईजी आर बताइए मैं क्वेश्चन ये भी देता हूं थ्रोइंग द बॉल ऑन द विकेट ईजी आर एक क्वेश्चन ये भी है तीन क्वेश्चन मैंने लिखा फर्स्ट वन सेकंड वन क्या क्या पार्ट्स पे बता रहा है और ये थर्ड वन बस समझे आपसे यहां भी पूछा जा सकता है यहां थ्रोइंग क्या ठीक है यहां थ्रोइंग के बारे में बताना है साथ में बताना क्या ईजी आर होगा थर्ड क्वेश्चन बस समझे कहीं अगर लिखा हो सही है कहीं लिखा हुआ हो कुछ इस टाइप का लिखा है द थ्रोइंग हैंड सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन हाथ किसका है आपसे पूछा है दुनिया में सबसे बेहतरीन हाथ किसका है थ्रो करने के लिए द थ्रोइंग हैंड सही है थ्रोइंग हैंड किसका है सबसे खतरनाक हाथ किसका है जो विकेट पे फेंकता है जो विकेट पे फेंकता है बताइए आपको बताना है द थ्रोइंग हैंड अब यहां भी बताना है थ्रोइंग क्या लीजिए ये भी क्वेश्चन हो गया मैं थोड़ा अलग हूं याद रखना मैं थोड़ा अलग अंदाज बताता हूं पहले मैं वर्ब इतना अच्छा कर देता हूं बच्चों का कि वर्ब आप पढ़ लोगे ना आधा अंग्रेजी बीमारी खत्म ठीक है सारा खेल वर्ब का है सब चीज क्या है अंग्रेजी का पूरा दुनिया वर्ब पे है या आपका जो भी है तो ये आप जान ले कि आपसे पूछा गया है सो बताइए यहां पे आपको इट वाज अ गुड थ्रो थ्रो यहां पे नाउन है यहां तो नाउन हो गया क्योंकि ए डिटरमाइनर गुड एडजेक्टिव तो ये आपका नाउन हुआ डिटरमाइनर है तो पक्का है कि अंतिम नाउन हो जाएगा जानते हैं कि नाउन एडजेक्टिव डिटरमाइनर हो गया दूसरा अगर आपको बोला था थर्ड बॉल फिर देखो यहां पे क्या है बॉल जो नाउन है ये अगर बॉल नाउन हो गया मेरे भाई तो आपको पता है कि ये क्या है डिटरमाइनर दोनों के बीच क्या होता है एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव हो गया सही है ये एडजेक्टिव हो गया फिर मैंने क्वेश्चन दिया द थ्रोइंग हैंड तो दो डिटरमाइनर हो गया ये दो हमारा डिटरमाइनर हुआ हैंड नाउन हुआ तो बीच में क्या हो गया ये एडजेक्टिव हो गया मैंने पूछा था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हाथ किसका है सही है थ्रोइंग हैंड किसका है फेंकने वाला हाथ किसका है रविंद्र जडेजा आप सुना होगा सबसे बेहतरीन हाथ किसका है जो थ्रो करके विकेट फेंकता है वो हमारे क्या रविंद्र सही है सर सर रविंद्र जडेजा ठीक है सर रविंद्र जडेजा आरजे बताइए होगा तो ये करना नहीं रहना नहीं है सबसे अच्छा हाथ आपको किसका है तो रविंद्र जडेजा का माना जाता है थ्रोइंग हैंड अभी माना जाता है याद रखिएगा अब ये बोल रहा है डेथ आईसी हैंड का क्या मतलब अच्छा ये डेथ आईसी हैंड का मतलब पूछ रहा है अभी ये जाना जरूरी है ठीक है देखिए ये जो कहानी है पहले इसको समझिए पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए फिर आपको बोलना क्या थ्रोइंग क्या थ्रोइंग क्या है और यहां पर बताना ईज क्या वो थ्रोइंग एडजेक्टिव है सही है अबे यार सनी देवल सही है सनी देवल कहना क्या ये क्यों बोल रहे हो सनी देवल कहां से आ गया ना पूछे यहां बोले टीम ने पहले आप बताइए थ्रोइंग वाला ठीक है ये बता दो तुम लोग थ्रोइंग द बॉल इज क्या होगा थ्रोइंग द बॉल इज क्या ठीक है ये आपको बताना है बता लो ये आपको बताना है फटाफट बताइए ये क्या है समझे फटाफट बताइए ये आपका क्या है इसका कोई नहीं हो बड़ा दादा जी अभी आए हैं चलिए ईजो क्या होगा गलती कर रहा विकास विकास आ नहीं हुआ ईजो क्यों क्योंकि आपका थ्रोइंग जो है जनरल फॉर्म है और द बॉल जो है हमारा क्या है ये आपका इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि भार चाहे जो भी हो डी फोर देखो यहाँ पे नॉन राइट है जनरल फॉर्म ये अपने आप में जनरल होता है अनकाउंटेबल होता है और उसके लिए मैंने सिखा दिया कि ईजो का समझो तो आप अच्छी तरह से जानिए समझे ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए तो ज्यादा मजा आएगा ठीक है ये अच्छी तरह से आप जान लो समझे हो गया चलिए ये अच्छी तरह से जानो आपको ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड ठीक है स्टैंड से मैंने बताया था क्या स्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड बता दिया वेक ये मैंने बता दिया वेक वॉक वॉकेट ठीक है ये आपको याद रखना वेक वॉक वॉकेट अगर इसमें ए भी लगा देना तो वेक अवोक और क्या होगा अवोकेट बस करो ये आप जान लीजिए सबका कमेंट आ रहा है अब तेजी से बनाएं वेयर वोर वॉन बता दिया हमने ठीक है वीन वॉन वॉन ये जा देखें वीन वॉन वॉन ठीक है जैसा बोले कि इंडिया जो जीता ना तो क्या लिखेंगे लिखेंगे क्या कॉम्प्रिहेंसिव विन इंडिया जो जीता ना जबरदस्त जीत जीता अभी तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव विन अगर ऐसा लिखा हुआ कॉम्प्रिहेंसिव विन ए डिटरमाइनर हुआ ठीक है अगर ए डिटरमाइनर है और आपको पता है कि जिस वर्ड के अंत में आई होती है एडजेक्टिव होता है क्वेश्चन ये होगा कि विन या क्या पास्ट परफेक्ट स्पीच में कॉम्प्रिहेंसिव विन या अगर वॉन को यूज करना है लिखेंगे क्या द वॉन मैच ठीक है द वॉन मैच अगर लिखा है तो आपसे पूछा जाएगा ये बताइए ये जो आपका है ये आपका यूएस में क्या है अगर ये ऐसा लिख दिया गया द विनिंग टीम सही है द विनिंग टीम तो आपसे पूछा जाएगा ये बताइए ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है ठीक है लीजिए क्वेश्चन सीधा मैं तो क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ लो आप ठीक है ये आपको बताना है बराबर बताइए एवरीवन सबको जवाब देना ठीक है ये सभी को जवाब देना बराबर कमेंट करें क्वेश्चन का जवाब देना ठीक है सभी लोगों को जवाब देना है बताइए बराबर कमेंट कीजिए क्लियर नहीं दिख रहा अरे ये क्या हो गया क्लियर तो दिख रहा हमें सबको क्लियर दिख रहा सृष्टि देख लो ठीक से अच्छे से देख लो ओके चलिए ये जो आपका दिया वीन ये आपका नाउन है गुड ये आपका ये नाउन है ये आपका डिटरमाइनर है तो पक्का है कि नाउन डिटरमाइनर के बीच में एडजेक्टिव सही है ये आपका टीम नाउन है और ये आपका डिटरमाइनर है तो ये पक्का है कि एडजेक्टिव क्या सेंस है अ कॉम्प्रिहेंसिव विन का मतलब जबरदस्त जीत या जीत हुआ नाउन हुआ द वन मैच का मतलब जीता हुआ मैच ठीक है जीता हुआ मैच ठीक है जीता हुआ मैच या जीतल मैच हमारे बोलेंगे द विनिंग टीम माने जीतने वाला ठीक है जीतने वाला टीम समझे याद रखिएगा तो आपको इस सेंस में अच्छे से जाना होगा ठीक है ये दिमाग रख लीजिए बस समझे तो ये आप जान लो कि इस सेंस में समझे इस सेंस में ये वर्ड आपको बहुत ही मजेदार है याद रहेगा तो ये जबरदस्त चीज है आगे बढ़ेंगे हम लोग चलिए आपकी कृपा से सब ठीक है गुरुजी ओके विन नॉन एडजेक्टिव एडजेक्टिव गुड रीता बदान चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है विद होल्ड ये अच्छा विद होल्ड विद हेल्ड विद हेल्ड भाई साहब ये जो होल्ड है ना बड़ा खतरनाक वर्ड है इसका कलम ने पा दिया था हेल्ड हेल्ड और ये एग्जाम में चक्कर देता है ठीक है ये विद होल्ड का मीनिंग होता है हिंदी क्या होता है रोकना होता है विद होल्ड मींस रोकना ठीक है विद होल्ड मींस रोकना याद रखिएगा विद होल्ड मींस रोकना विद होल्ड मींस रोकना जैसे आपको मैं कैसे बताऊं ऐसे बताते हैं जैसे आपका रिजल्ट जो है ना रुक जाता है उसके जैसे द रिजल्ट ठीक है द रिजल्ट वाज विथ हेल्ड अगर ऐसा लिखा गया है तो क्या बनेगा द रिजल्ट वाज विथ हेल्ड ये विथ हेल्ड है भी देख लो मेन वर्ब मतलब जो परिणाम है उसको रोक दिया गया ठीक है जो परिणाम था उसको रोक दिया गया था समझे ये याद रखेंगे समझो तो याद रखेगा ये आपका विथ हेल्ड विथ होल्ड विथ हेल्ड विथ हेल्ड रोकना रोका रोका तो ये हेल्ड हो जाएगा विथ होल्ड मींस रोकना होता है किसी का परिणाम रिजल्ट रोक दिया जाए ठीक है उसके लिए यूज करना है समझे कोई भी चीज को बीच में रोक दिया गया उसके विथ हेल्ड जैसे कहीं लिखा हुआ ऐसे आप देते हैं अब उल्टा देते हैं द विथ हेल्ड सही है विथ हेल्ड रिजल्ट सही है द विथ हेल्ड रिजल्ट ऑफ सीजीएल 2017 2017 was cleared, ठीक है was cleared last year, was cleared last year, ऐसा लिखा हुआ है देखिए तो ये अगर पूछा जाएगा कि ये बताइए आप सर ये यहाँ पे क्या है ठीक है ये विथेल्ड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है ये तो मेन वर्ब हो गया वाच की बात है तो लेकिन ये विथेल्ड क्या द विथेल्ड रिजल्ट ये हमारा डिटरमाइनर ये विथेल्ड आपका एडजेक्टिव ठीक है और ये रिजल्ट क्या हुआ नाउन हुआ देखो तो ये समझ लीजिए
ये शिवानंद गुप्ता, आप फोन नंबर दियो बात करने के लिए, क्या है भाई, क्या करो, बोल क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं कितने को फोन करूँ बताओ तुम्हें, मैं किसी को फोन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, आप अपना प्रॉब्लम जो है मुझे मैसेज पर भेजना, ठीक है, आपको मैंने दिया ना, ये आप मेरे मैसेज पर भेजना जिसको कोई तकलीफ है, समझे, ये अलग है, मैसेज पर भेजना जो भी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े, अगला हमारा राइट है, राइट रोज रीजन, ठीक है, राइट, उसके बाद आपका बीटू रोज और थर्ड फॉर्म है हमारा रीजन। अब देखो ये ध्यान देना, ये जो वर्ड है रीजन बड़ा जबरदस्त यूज होगा इसका, मैं कहीं लिखूंगा, अब देखता हूँ क्या लिख रहा हूँ, राइटिंग मेरा स्टेटमेंट वाला मजेदार होगा, राइटिंग लिखेंगे ना तो बहुत बिल्कुल हो जाएगा, लिखना सुबह क्लास वाले बच्चे, राइटिंग सही ना, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा देखो स्टेटमेंट वाला मजेदार लिखूंगा, राइटिंग लव लेटर्स, राइटिंग लव लेटर्स, सही है, राइटिंग लव लेटर्स टू वंस, ठीक है, वंस बिलव्ड, ठीक है, बिलव्ड वाज या वर, क्वेश्चन आपसे ये है क्या होगा यहाँ पे, पांच बात देना, वाज और वर, ठीक है, वाज और वर्ल्ड एंड, ठीक है, एंड ओल्ड ओल्ड ट्रेडिशन, ये लिखिए, अगर मैं अगर ऐसा दे दूँ, ये आपको स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ये है, देखिए तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि यहाँ होगा क्या होगा, ये जो ये वाज होगा या वेयर होगा, ले क्वेश्चन का जवाब देना आपको, तुम्हारा चलो ऐसे ही आप थोड़ी सिखाते हैं, ऐसे ही थोड़ी सिखा देते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसी में मैं क्वेश्चन बता दूँ कि अगर लिखा हुआ है रिटेन है तो आप देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ कि द रिटेन, ठीक है, द रिटेन ऐसा लिखा हुआ, द रिटेन लेटर्स, द रिटेन लेटर्स ऐसा लिखा हुआ है, आपको बताना इसके बारे में, ये बताइए भाई साहब ये रिटेन क्या है, व्हाट इज रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है, द राइटिंग, द राइटिंग, द राइटिंग स्किल, ठीक है, द राइटिंग स्किल, आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि ये राइटिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, आ जाइए, और सिंपली एक और मैं लिख देता हूँ नंबर फोर, क्यों उसको छोड़ू, लिखा हुआ है कि ए ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, ठीक है, अ ब्यूटीफुल, सही है, अ ब्यूटीफुल राइटिंग, या हैंड राइटिंग लिख सकते हैं लेकिन सिंपली राइटिंग से काम चलेगा, अ ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है, इसमें बताया पास्ट वॉइस स्पीच किसका है, ये आपका पास्ट वॉइस स्पीच क्या है इसका, पीएस, ठीक है, लीजिए क्वेश्चन से आपके सामने और आपको जवाब देना है, वन टू थ्री फोर, समझे, रिटेन वी3 है, वी3 में क्या है, विकी कुमार एडजेक्टिव है, बोलो वी3 नहीं बोला, अच्छा समझे कि नहीं, वी3 बोल के खत्म हो गया, समझे, ये जो है ना आपको बताना है कि क्या है पास्ट वॉइस स्पीच में, ये तो ही बोला कि मैं वी3 बताने के लिए, समझे, आपको बताना है एडजेक्टिव है नाउन है या क्या, फटाफट जवाब देना है, कुछ लोग समझता होगा कि मास्टर वर्ब क्या पढ़ा रहा है, ये पागल हो गया, कुछ लोग ये भी सोच रहा होगा, तुम सोचते हो ना कि मास्टर पागल वर्ब पढ़ा रहा है, ये फोकटिया वर्ब पढ़ा रहा है, क्या फायदा होगा, सोचते हो या ना सोचते हो, सोच रहे हो, कमेंट चाहिए, क्या मैं फोकटिया चीज पढ़ा रहा हूं, बताना आप लोग को, आपको बताना है कि मैं फोकटिया चीज पढ़ा रहा हूं, आप लोग बेवकूफ बना रहा हूं क्या पढ़ा के, ये मैं पूछ रहा हूं, सिंपल बात, क्या मैं बेवकूफ बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछा कर रहा हूं, आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं क्या, बता दो आप लोग कि आप लोग बेवकूफ बना रहा हूं, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बेवकूफ बना रहा हूँ क्या, ठीक है, क्या मैं आप लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ, सुबह क्वेश्चन ये, ठीक है, एक बार बता दें, क्या मैं बेवकूफ बना रहा हूँ क्या, हाँ भाई पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं बोलेंगे नहीं सर बेवकूफ बना रहा है, तो वाला चीज़ से पढ़ा के मजा ले रहा है, ऐसा लग रहा हो तो बोल दें, ठीक है, चलिए ये जो आपका पार्ट्स स्पीच में राइटिंग, ठीक है, ये तो नाउन है पक्का, देख लें यहाँ पे आपका डिटरमाइनर है और ब्यूटीफुल बीच में एडजेक्टिव है, ठीक है, और एक लोकेशन होता है इसका, अब देखो यहाँ स्किल जो है नाउन है, ठीक है, ये हमारा डिटरमाइनर, ये आपको पता है, और ये स्किल क्या हुआ, ये भी नाउन है हमारा, तो बीच में राइटिंग को क्या होना पड़ेगा, ये आपको पक्का एडजेक्टिव होना पड़ेगा, लेटर्स यहाँ पे नाउन है, तो डिटरमाइनर है, रिटेन को एडजेक्टिव होना पड़ेगा, सही है, और यहाँ पे ये जो राइटिंग है ये जेरंड, और आप जानते हो कि जेरंड जो होता है ना, जेरंड फॉर्म जो होता है, ये जेरंड फॉर्म जो होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करता है, पहला चीज, और इंग्लिश में जो भी अनकाउंटेबल होता है वो सब सिंगल सब्जेक्ट होता है, और सिंगल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, तो इज वाज हैज या बी फाइव, सो ये राइटिंग की वजह से यहाँ पे वाज होगा, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि राइटिंग के बगल में जो दिया लव लेटर्स, ये क्या, तो लव लेटर्स नाउन है, और आप जानते हो कि वर्ब चाहे वी फोर फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, सही है, नॉन फाइनाइट में बोल रहा था इंफिनिटी है, जेरंड है या पार्टिसिपल है, उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, पसरो तो ये आप जान लो, ये क्या होगा, इस अंदर में चलता है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन हमारा राइट के लिए डाल दिया, चले आगे हम लोग बढ़ते हैं, मजा आपको दे दिया, ठीक है, अब जो है क्या सोचिए, नीचे दिए वर्ब फॉर्म्स को विशेषकर समझ लें, नीचे दिए गए वर्ब फॉर्म्स को विशेषकर समझ लें, इनके अर्थ एवं विभिन्न फॉर्म्स में काफी कंफ्यूजन होता है, ये आपको एग्जाम का क्वेश्चन स्कोर बता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जिसका क्या होता है वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, कहानी चेंज हो जाता है, जैसे पियर, पियर का मतलब जन्म देना, ठीक है, जब जन्म देना होगा तो देखो बोर और बॉर्ड, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म बीआरएन होता है, जबकि पियर जब सहना हो या ढोना हो तो बोर, ये तो सेम होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म जो होता है ना बॉर्ड, ये हो जाता है बी आर एन ई, अब जैसे आपको देखो अगर कहीं लिखा हुआ कि आई वॉज, ठीक है, ऐसा लिखा स्टेटमेंट, आई वॉज बॉर्न, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन 1984, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आई हैव बॉर्न द, ठीक है, आई हैव बॉर्न द बर्डन ऑफ माई फैमिली, ऐसा मैंने लिख दिया माई फैमिली, ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये सही है गलत है, लीजिए समझे, अब यार विकी टेस्ट मैंने बोला 5 तारीख से टेस्ट का डिस्कशन फ्री वाला, भाई 5 तारीख से मेरी कोशिश है कि 5 जनवरी से आपको 8:30 PM मेरा टेस्ट एंड डिस्कशन चलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर मैं सीजीएल 19 का पेपर लेकर आ रहा हूँ डिस्कशन के लिए, सीजीएल 19 का एक एक पेपर का लगभग 18 सेट है, जितने भी सेट है 18 या 19 सेट है, सारे सेट का डिस्कशन करूंगा, ठीक है, ये मेरा, ठीक है, तो ये देखो सिनू लोधी करा के दोनों करेक्ट है, अब देखो मेरे बुआ अब ये क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला कि आई वॉज बॉर्न बी आर एन ई इन 1984, जब आप जन्म लेने की बात करते हो कि मैं जन्म लिया कब लिया 84 में, तो जन्म लेने के लिए ये जो आपका थर्ड फॉर्म दिया ना बीयर, ठीक है, जन्म लेने के लिए थर्ड फॉर्म यूज करते हैं बी आर एन, देखो ना, तो ये हमारा गलत है, और यहाँ क्या होगा बी ओ आर एन होगा, सिंपली बी आर एन होगा, ठीक है, बस करो अभी गुलशन कुमार सेट भी मैं ही भेजूंगा, अच्छा लड़का है यार, क्या सेट मिल जाएगा पीडीएफ, क्यों परेशान हो, तुमको सीजीएल 19 का पेपर मिला, क्यों मैथ्स पे जाओ, सीजीएल 19 का मिल जाएगा पेपर, क्यों मैथ्स या किसी भी सीजीएल 19 का पेपर कहीं मिल जाएगा, अजब लोग सर यार, हम सभी सेट कर रहे हैं, कुछ अपने भी सर्च किया करो, सीजीएल 19 का पेपर सेट करें, अब अभी हम तुमको सेट करते हैं, अभी हां सेट कर बताओ, गुलशन कुमार बताओ तुम कहां सेट करते हैं, सेट कहां सेट करते हैं, डालेंगे डालेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा, ठीक है, आप दीजिए, अच्छा मैं दे दूं अमन कुमार, ठीक है, डालेंगे ग्रुप में, ठीक है, चलो आगे देखो, ये जो है आपको अभी एक बार सर्च मारो तो मिल जाएगा, क्यों मैथ्स को हर जगह पीडीएफ डाला हुआ है, सीजीएल 19 का पेपर का मेंस का भी डाला हुआ, डाल देंगे ग्रुप में डाउट्स में, ठीक है, उसमें से किसी का क्वेश्चन छाट लेना, चलिए आगे देखो, अगला हमारा दिया कि आई हैव बॉर्न द बर्डन ऑफ माय फैमिली, बर्डन का मतलब है बोझ, ठीक है, और कोई अगर बोझ को क्या करता है, बोझ को ढोता है या सहता है, दोनों सेंस हो सकते हो, तो इस सेंस में आपका ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे होगा बी ओ आर एन ई, याद रखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, समझे, ये जान लो कि ये जो सेंस है ना, ये अच्छी तरह से जान लो, ये जो होगा इस अंदाज में आपको याद रखना, लैंग्वेज के तौर पर एक शॉर्ट हमारा जो आने वाला है वो आपको काफी अच्छा है, ठीक है, ये आप जान लो, तो ये आपका ये सेंस में, दूसरा आपको प्राय क्वेश्चन अच्छा मिलेगा,
जो आपको मिलता है, देखिए एग्जाम में आएगा, एयरबॉर्न डिजीज, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको मिल सकता है, या एयरबॉर्न डिजीज, समझे, एयरबॉर्न डिजीज ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में कौन मैच है? अगर साइंस आप पढ़े हो तो बताओ कि कौन एडजेक्टिव सही होगा। अगर डिजीज अगर नाउन होगा, पहले ये बताना कि डिजीज नाउन हुआ, डिजीज नाउन हुआ तो दोनों बॉन्ड जो है वी3 एडजेक्टिव होगा, ये तय है कि वी3 एडजेक्टिव होगा। लेकिन किसको यूज करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है कि किसको यूज करेंगे, ठीक है। भरत यादव, मैं ग्रुप में नहीं हूं तो ग्रुप में जुड़ जाओ मेरे भाई। भरत यादव, तुम फेसबुक पे हो, फेसबुक में लिंक शेयर किया था, ठीक है, जाकर सर्च कर लेना, डाउट सेल का, समझे। एमजी सुल्तान इंग्लिश बोलते ना, इंग्लिश एमजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, तो पहले तो आपको जाकर मेरा इंग्लिश का अपना चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल क्या है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय, ठीक है, बाय ऑफिसर सुशील सर, पहले तो ये ज्वाइन कर लो, फिर उसमें मैंने लिंक शेयर कर दिया, ठीक है, डाउट सेल का भी, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो ये देख लो भाई, ये जो है ना फर्स्ट वन एयरबॉर्न डिजीज होगा, ये एयरबॉर्न डिजीज होगा, समझ लो। कुछ लोग लगा सर ये वाला सही है, कुछ लोग लगा सेकंड वाला सही है, समझ लो। लेकिन आपको बता दें कि एयरबॉर्न डिजीज जो है ये वाला यूज होता है साइंस में, इसका सेंस कुछ और होता है, मतलब एयर में ढोया हुआ डिजीज, ढोया हुआ, हवा में ढोया हुआ डिजीज, हवा में जन्मा हुआ नहीं, हवा में ढोया हुआ डिजीज, बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो आपको हवा के द्वारा होता है, फैलता है, उसके लिए ये यूज बेस्ट यूज है, ये गलत है, ठीक है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट यूज सही है, फर्स्ट यूज जो है वो सही है, एकदम याद रखिएगा, एयरबॉर्न डिजीज आप सर्च मार लेंगे आपको मिल जाएगा, ए नंबर एयरबॉर्न, साइंस अगर पढ़े आपको दिखाई दिया, तो आपको ये दिमाग रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। दिव्या रानी, ये एयरबॉर्न ये वाला जो है ना, आप इसको बोल सकते हो हवा में जन्मा हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो है ना एयरबॉर्न, ये जो जैसे आप बोलते हो ना वेक्टर, बीईसीटी और वेक्टर, वेक्टर में होता है कैरियर, ठीक है, ये जो है ना जो होने वाला होता है, जो वायरस है, बैक्टीरिया, जो भी होता है उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है, वो डिजीज वेक्टर होता है, मतलब क्या डिजीज कैरिंग वेक्टर, इस सेंस में। तो आप देख लेंगे जाके, आप जाके चेक कर लेना, सही है, कि ये आपका होता है या ये होता है, दिस वन इज करेक्ट, अगर ढोया हुआ है एयर के माध्यम से ढोया हुआ है, उस सेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्या लिखे, वायु जनित बीमारी, हां हिंदी देखो अच्छा लग रहा है, वायु, ठीक है, वायु जनित, ठीक है, चलो वायु जनित बीमारी जो भी है तो याद रखेंगे आप, आगे बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है काफी अच्छा वर्ड, ठीक है, वो है बीट, इस बीट को मैंने बोला था कि दो बीट होता है, ठीक है, दोनों को जान लो अच्छी तरह से, और ये बीट जो पाला है ना प्रयास करना, बोली करना, ठीक है ना, बोली लगाना, तो बीट तीनों फॉर्म में सेम होगा, बीट अगर बोली लगाना हो या प्रयास करना हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है ना कि ये आपका देख लो, ये आपका वर्ड होता है और इस सेंस में होता है, ठीक है। अब ये कौन आदमी आ गया अंबेडकर, बोला कैरियर और कैरियर में क्या डिफरेंस, अब ये सब क्यों होना, अब ये बच्चा पूछ रहा है सर इसका और इसका डिफरेंस क्या है, ये पूछ रहा है, अभी वो बोले इसका भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये भी कैरियर पूछ लिया, ये भी पूछ लो, ठीक है, कैरियर, ठीक है, अगला वर्ड है करियर, नेक्स्ट कूरियर, ये तीनों डिफरेंस पूछ लो, पूछ लो, अब करना करना बोलता है सर, ये भी बोलता है एक जोड़स, अब यार एक जोड़स का मतलब होता है प्रस्थान, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं ना, ये नाउन फॉर्म है, एक जोड़स उसको बोलते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं लोग, उसको एक जोड़स कहते हैं, मास एक जोड़स, द मास एक जोड़स ऑफ द कश्मीरी पंडित, द मास एक जोड़स, ये आपको मिलेगा लैंग्वेज, द मास एक जोड़स ऑफ द कश्मीरी पंडित, समझो, ऑफ द कश्मीरी पंडित, मास एक जोड़स, समझ में आ रहा है, तो ये लैंग्वेज है इसका, भैया और कुछ पूछना है किसी को, और कुछ पूछना है, अब इतना पूछा है, ले भाई ये करियर है, ये जो ना कैरी से बना, कैरी में डोना होता है, साइकिल बैठो, साइकिल कैरियर होता है पीछे, जिसको जगह बैठ जाते बच्चा बैठा होगा, ठीक है, या साइकिल आगे वाला रोड, जिसको बच्चा बैठ के साइकिल चलाते होगा, चलाता तो आगे बैठ जाता है, पीछे वो हुआ डोने वाला, ठीक है, सी ए डबल आर आई आर, समझे, ये समझ आ गया, दूसरा ये करियर है, ये करियर जो आप करियर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, हम वो करियर है, हम वो कैरियर है, ये वाले हम हुए, ठीक है, हमारे माथे तो बैठा लो, हम पे बैठ के अपना ये बनाना चाहते हो, समझे, एमजीएफ जो है तुम्हारा कैरियर है, ये वाला कैरियर जिसके माध्यम से तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, और ये जो तुम्हारा कुरियर है, समझे, जान ले, समझ आ गया ना, अब हमको बोला पब्लिक कैरियर, हमें ट्रक, वही सही बोला, तो ये सब वर्ड तो आपको जानना ही है, सिंपल वर्ड से, हमारा ये वर्ड आ रहा था बीच, बोली लगाना, ठीक है, बीच बीच तीनों फॉर्म होता है, बोली लगाना, सही है, जैसे आपका टेंडर होता है कोई चीज का टेंडर, तो टेंडर बोली जाता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, एक मूवी हमको याद आता है, ठीक है, एक मूवी है जिसमें आप अनिल कपूर है, दूसरा कौन उसका नाम है, फरदीन खान है, और तीसरा है शेख बच्चन, सही है, तो इस तीन भाई पता है, और उसमें उसके घर की बोली लग रही होती है, घर की बोली, ठीक है, घर की टेंडर हो रही है मॉर्गेज के लिए, समझे, मॉर्गेज हो रहा है, तो ये जो है ना घर की बोली लग रही है, और ये सबसे नाना भाई रहता है शेख बच्चन, और वो अंतिम में आता है उस बीट में, समझे, सबसे ज्यादा पैसा देकर खरीदता है अपने घर को, लेकिन आप जाते हो बताओ, अनिल कपूर, फरदीन खान एंड देन अब शेख बच्चन, तीन भाई हैं, और उसमें उसी घर की बोली आखिरी फिल्म है, आखिरी सीन है आपको घर की बोली लग रही है, और ये नायक भाई अब शेख बच्चन जो रहता है वो आके उस घर को बचाता है, सबसे सबसे ज्यादा बीट लगती है उसके घर की, तो बीट मतलब बोली लगाना, ये बोली लगाना तीनों फॉर्म यही होता है, ये तो बीट, साथ ही साथ बीट जो होता है नाउन भी होता है, ठीक है, ये नाउन भी होता है, अगर कहीं लिखा हुआ है इन ए बीट, ठीक है, इन ए बीट टू स्कोर हाई, इन ए बीट टू स्कोर, सही ना, 190+ मार्क्स, इन ए बीट टू स्कोर 190+ मार्क्स, आई जॉइन, ठीक है, आई जॉइन, सपोज लिखा हुआ है आई जॉइन एमजीएफ फॉर इंग्लिश, एमजीएफ फॉर इंग्लिश इन ए बीट, तो ये जो इन ए बीट है मतलब क्या, इन ए बीट टू, ये इन ए बीट अगर लिखा है, ये के बाद अगर बीट है तो बीट यहां नाउन है, इन ए बीट टू यानी इन ए बीट का मतलब यहां उद्देश्य, ठीक है, प्रयास, बोला प्रयास करना, इन अटेम्प्ट, या तो बोलो क्या अटेम्प्ट, या बोल सकते हो प्रयास, ये सेंस में, ठीक है, रतन बाबा बोला डीडीएलजे, मैंने सब ये नहीं करा रहे, डीडीएलजे, ओम जय जगदीश, मूवी का नाम है ओम जय जगदीश, ठीक है, और इसका जवाब सही दिया कौन, शांतनु, ठीक है, गुड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हो गया, आगे बढ़े हम लोग, तो ये याद रखें, इन बीट यहाँ पे बीट नाउन है, ये आपको याद रखना, चलिए, इन बीट टू स्कोर 190+, तो ये बीट याद रखना, और आपको याद होगा इस बीट के लिए मैं कुछ कविता याद कराया था, बेयर इन्फिनिटी कविता, याद है, बेयर इन्फिनिटी कविता हमने याद कराया था, बेयर इन्फिनिटी कविता क्या था, कि लेट बीट नोटिस वॉच, लेट बीट नोटिस, याद है, लेट बीट नोटिस वॉच था, हमने बोला था कि ये वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, उसका जो गिवन होगा वो बेयर इन्फिनिटी होगा, बोला था ना, बेयर इन्फिनिटी होगा, दिया है, लेट बीट नोटिस वॉच, याद है, भूल गया, पीछे का टॉपिक, तो आपका लेट बीट नोटिस वॉच के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे उसके बाद जो वर्ब होगा उसको हम बोलते हैं क्या, बेयर इन्फिनिटी, बस इतना ही लिखा है, सी या ना लिखा है, शांति से रहो, बोले जितना लिखा है काफी है, लेट बीट नोटिस वॉच, नो लिख देते हैं, सी है, हेल्प है, ये है, फील है, समझे, यहाँ आपका मेक है, यहाँ आपका बिहोल्ड है, बस समझे, ये सभी को आपको याद रखना, चलिए, नेक्स्ट हमारा है बीट, ये बीट को आपको अच्छे से याद रखना, बीट मीन्स अलविदा, ठीक है, अलविदा करना, बाय बाय करना जो कहते हो, तो ये सेंस में याद रखिएगा, बीट, तो बीट मीन्स अलविदा, बीट बीट, समझे, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ ही बेट मी गुड बाय,
की बेड मी गुड बाय। तो भैया आपको क्या किया कि वो अलविदा किया अच्छे के लिए, ठीक है? तो ये रखिएगा अच्छी तरह से मॉडल नहीं देर। अरे यार करना मत, कहां गुजरा है तू? अभी रहो यहां पर, मॉडल में गुजरा। हो गया ये कहानी खत्म। तो ये आपको ये बेड मी गुड बाय याद रहेगा। तो ये आपका जो है ना अच्छी तरह से याद रखना है कि बी बेड और थर्ड फॉर्म इसका बिडन होता है। अब ये मत समझना कि जो बिडन, ये कौन है जो बिडन, कोई आदमी है आप सुना इसका जो बिडन, हु इज जो बिडन? अभी नहीं समझना कि जो बिडन कौन है, अब उस पे पहुंच जाओ। जो बिडन का नाम सुना, करना मत जी के यार, बोल करना मत, बोल राजस्थानी बच्चा, तुमको बताना कि जो बिडन कौन है, जल्दी जल्दी बोलो, फटक फटक बोल भाई, फटक फटक बोल। अच्छा रजन कुमार बोला कि अमेरिका का पीएम, माने तब यही देंगे रजन को, अमेरिका का पीएम होता है, मतलब बातें क्या। चलिए अगला देखो, अगला बोर्ड हमारा फॉल, ठीक है? ये आपका फॉल गिरना, फॉल फेल फॉलन, ये क्या लगेगा? जो भी पीएम नहीं है भाई, कुछ और है, देख लेना अमेरिका का। ये जो है फॉल गिरना और फेल फॉलन, क्या लगेगा? तो फॉल ये वर्ब है और साथ में हम इसको नाउन भी बोलते हैं, ठीक है? अगर ये कहीं लिखा हुआ ना, ये लगेगा एक रन करना मतलब बोला इंडोनेशिया का अबे कहा, इंडोनेशिया का पीएम है, ठीक है? मजा ले रहे हैं तुम, समझा दे। चलो तो ये फॉल जो है वर्ब भी है नाउन भी है, ठीक है? ये लगेगा फॉल जो है वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज करते हैं, ये अच्छी तरह से जानेगा। क्यों बोलोगे आप नाउन कहां का? जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा वाटरफॉल, ठीक है? तो वाटरफॉल लग गया तो ये झरना के सेंस में, समझे? ये याद रखिएगा फॉल झरना के सेंस में होता है। नायग्रा फॉल्स सुना है ना, नायग्रा फॉल्स तो बहुत ही सारे आप याद रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है? फेल, एफ ई डबल एल और एफ ए आई एल, ये फेल मींस होता है असफल होना, और ये फेल एफ ई डबल एल का मतलब होता है पेड़ आदि काटना, काटने के लिए यूज करते हैं, पेड़ वो पौधा छोटा बड़ा उसको काटने के लिए, ठीक है? तो फेल जो है काटना है और फॉल जो है गिरना है, पहले काटोगे तब गिरेगा, पेड़ को काटो तो ही फेल द ट्री, ही फेल द ट्री मतलब क्या? उसने पेड़ काटा एंड द ट्री क्या लिखा है? द ट्री फेल, अच्छा लाइन होगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि ही फेल्ड द ट्री, he failed the, ठीक है? he failed the tree and and the tree fail and the tree fail on him, ये इसमें आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये v2 किसका है और ये v2 किसका है, इसका v1 फॉर्म क्या है भाई और इसका v1 फॉर्म क्या है, दोनों का सेंस। अरे करण करना मत, जो विडेन जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट है, मैं पता चल रहा है, चला गए क्वेश्चन का जवाब दे, आता नहीं है, उल्टा पुल्टा ध्यान दो क्वेश्चन देखिए, he failed the tree and the tree fail on him, ऐसा लगा he failed the tree, उसने पेड़ काटा और सही ना, और क्या हुआ एंड द ट्री फेल ऑन हिम, वो जो पेड़ था ना ऊपर पे गिर गया, ले लो ना समझ लो ना ये वाला, तो ये समझ लो आर्यन आज बहुत लेट हो गया सर, अच्छी बात सही ना, देर करता नहीं देर हो जाती है, समझो ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, इट इज नॉट ए बैड वरी, डिपेंड ऑन हाउ यू रिएक्ट फ्रॉम दिस, कमेंट ऑफ पीपल यूज दिस एंड वी नॉट एक्चुअली ठीक है भाई, लोग देख ले ये ध्यान ले अच्छी तरह से। अभी कुछ मैं पूछता हूं क्या फील हो रहा है अभी, इस पे बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट में आपका ये जो है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये फेल फेल का v2 हुआ और ये जो है ना भाई साहब ये फेल, ये जो आपको दिया हुआ ना ये फॉल का v2 है, इसका v1 फॉल होगा, दोनों का अंतर समझ लें, एग्जाम में ये सब आपको कच्चा दिलाएगा, ठीक है? अगला वर्ड हमारा फील, ये बताने की जरूरत नहीं, फील फेल फेल होता है, समझे? तो ये आपको बहुत महसूस करना, सिंपली वर्ड है। अगला वर्ड हमारा फील है, फील मींस भरना, फील मींस भरना, याद रखिएगा फील मींस भरना, ये आप अच्छी तरह से जान लो, ठीक है? ये आप अच्छी तरह से जान लो कि फील मींस भरना होता है। अब आपका क्या है ना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता ना ये दिमाग में ऐसे, अगर कहीं लिखा हुआ फील द फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शंस में है आपका फील द फॉर्म दिया ना, मैंने क्वेश्चन ये डाल दिया कि फील डैश द फॉर्म, और ए ऑप्शन में दिया गया फील इन, नंबर बी दिया गया फील अप, नंबर सी में दिया गया वेट, ठीक है? विद दैट फील विद दैट के बदले दे दिया फील बाय एंड फील कुछ दे दिया नथिंग, ठीक है? अगर बोल दिया नथिंग इसे कुछ ना आएगा, ठीक है? ये वो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि फील, ठीक है, फील डैश द ब्लैंक्स, डैश द ब्लैंक्स, ए नंबर में फील इन, नंबर बी में दिया गया फील बाय, नंबर सी में दिया फील विद द, और नंबर डी में दे दिया फिर क्या नथिंग। आपको ये जवाब देना है इसमें क्या भरेंगे प्रीपोजिशन का, ये सिंपल मिस्टेक है, एग्जाम में ये सभी पूछा जाता है। सर अब रहने दीजिए, हैप्पी न्यू ईयर, ये गुड्डू मार स्टार्ट करता है, ये बोलो हर बार, कल भी देखें कि लिखा कि रहने दीजिए, तो वो पढ़ना या नहीं करना, तो पैसा देकर रिटर्न करवा देंगे, याद रखना। ऐसा मसला हुआ कि इस क्लास में तुम ऐसे ही पढ़ लोगे, पैसा दिलवा देंगे वापस और भाई साहब तुमको हटवा देंगे, लेकर अपना बैच, ठीक है? जो इस टाइप का कमेंट करोगे कि रहने दीजिए, सही है? अब अगले दिन इस टाइप जो भी कमेंट करोगे तो याद रखना कि हम उसका नाम नोट करेंगे और कल ही बोलेंगे उसको पैसा रिटर्न कर दीजिए, कहानी खत्म कीजिए। अगर आपको छोड़ना है जाना तो जा सकते हो, कुछ भी ना कहो, क्लास छोड़ दो, हमको कुछ लिखेगा नहीं तुम लोग, ठीक है? रहने दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये सब कोई लिखेगा, कोई कोई नहीं लिखोगे, रंगना सब कमेंट देख रहे हैं, कोई नहीं लिखेगा कि रहने दीजिए बस कीजिए, सही है? अब होने दीजिए, ये सब कोई लिखा तो तुम याद रखना, पक्का याद रखना तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है? अच्छे से नहीं जानते हमको। चलो देखो क्वेश्चन देखो से, गुड मॉर्निंग को दोबारा लिखा, देखें कभी तुम ये कर रहे थे, आज तुम लिख दिया, ये लिख दिया, रहने दीजिए, ध्यान देना तुम, देखिए अभी क्वेश्चन जो है ना अच्छे देखो, देख लो ये फील द फॉर्म है, अगर कोई फॉर्म भरना होना उसके साथ कोई भी पोजीशन नहीं होता ना, इन होता ना होता नथिंग, नंबर डी सिंपली फील द फॉर्म, ये दिमाग में अच्छी तरह से, फील द फॉर्म होता है कोई भी फॉर्म उसको डायरेक्ट भरना होता है, भरता है डायरेक्ट, फील द फॉर्म ना होता है, समझे? गलत है ये, अच्छी तरह से जान लो, समझे? तो ये आपको ध्यान देना है, अच्छी तरह से जान लो, ठीक है? तो ये सेंस है। अगला आपको दिया फील डैश द ब्लैंक्स, आपको इन है बाय है विद है नथिंग है, तो यहाँ पे आपका इन दिया है, फील इन द ब्लैंक्स, ये सही है, फील इन द ब्लैंक्स, अगर आपको इन की जगह एक और वर्ड हो जाता क्या अप, ठीक है, फील अप द ब्लैंक्स, तो वो भी अगर रहता ऑप्शन है तो जा सकता था, लेकिन आप याद रखें कि अगर एक नंबर पे इन है और आप जो है टी नंबर पे तो आपका इन ही लेंगे, फील इन द ब्लैंक्स, ठीक है? ये याद रखिएगा फील इन द ब्लैंक्स, अब तो ऐसा हो सकता है कि आप पहले आ जाए इन आपका टीम हो जाए तो कहीं कहीं आपका अप सही है, फील अप द ब्लैंक्स में गलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? ये याद रखिएगा, ये आप अच्छी तरह जान लो कि ये फील द ब्लैंक्स या ये फील द फॉर्म, इसमें कोई भी पोजीशन नहीं,
और ये जो आपका है ना इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स होता है या अगर आपका अप रहे तो अप भी होगा लेकिन अप नहीं देगा तो राइट सर समझे इन क्यों लेंगे अविनाश कुमार बोला कि फिल इन दी ब्लैंक्स क्यों लेंगे क्योंकि ब्लैंक है ना इसमें कुछ भरना है ठीक है फिल इन दी ब्लैंक्स में यही मतलब होता है ये ब्लैंक जो खाली जगह उसमें भरना है समझे और जो फॉर्म होता है फिल द फॉर्म होता है डायरेक्ट यूज करते हैं फिल द फॉर्म होता है फिल द फॉर्म कोई भर जो फॉर्म होता है उसको भरना होता है उस फॉर्म के अंदर जो ब्लैंक है ना उसको लिखे फिल इन द ब्लैंक्स समझे तो ये याद कर लो ये समझ गया ना हां फिल इन और फिल अप के मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है समझे फिल अप और फिल इन के मीनिंग में सेंस है जो फिल अप होता है ना फिल अप द ब्लैंक्स क्योंकि फिल अप द ब्लैंक्स दिया है वो आप झुकना होता है वो क्लोज टू यू वो दिया रहेगा ऊपर पैसेज और नीचे पोस्टर है उसको फिल अप द ब्लैंक्स है ऊपर ब्लैंक्स है ठीक है ये सेंस में होता है और सिंगल लाइन का रहना तो उसको बोलते हैं फिल द ब्लैंक एक लाइन वाला सिंगल फिल करता है इसको आगे बढ़ा जाए ठीक है अब यार कौन है रंजन पर एक में अप क्यों यूज क्यों नहीं होगा बोला तो यूज नहीं होता फिल अप द फॉर्म नहीं होता फिल द फॉर्म होता है डाटा मार कर कोई एग्जाम है गलती हो जाएगा फिल अप द फॉर्म नहीं होता फिल अप द ब्लैंक्स होता है वही काम जो ऊपर ब्लैंक्स रहे नीचे ऑप्शंस रहे क्लोज टेस्ट लेकिन जब सिंगल फिल रहेगा ना जब सिंगल एक स्टेटमेंट सिंगल फिल एक ही सेंटेंस के उसमें ब्लैंक रहेगा फिल द ब्लैंक होता है वैसे क्वेश्चंस को समझे एक में अप क्यों नहीं हुआ मैंने बोल दिया ना कि नहीं होता रट लो अब एक लोकेशन टू फिल द फॉर्म होता है टू फिल द प्रॉस्पेक्टस होता है टू फिल द प्रोसेस जो भी है ये सेंस में यूज करते हैं टेक्नोलॉजी मतलब क्यों क्या कर रहे हो ये क्वेश्चन नहीं करने का इंग्लिश है समझे वो सारी चीज जो जवान पेपर पट्टा मारे अपने बाप दादा को लैंग्वेज अपना मदर टंग थोड़ी है अंग्रेजी से बना के गया याद करियो बता जाओ अंग्रेजी से क्या किया ट्रेन देखिए चढ़ के चल जाओ यहां से थाने से मुंबई का घूमते रहो समझ लो अंग्रेजी से देखिए अंग्रेजी चलो चल जाओ ठीक है नौकरी लो घूमते रहो बरो आगे नेक्स्ट हमारा क्या फील हो गया ना नेक्स्ट हम चलेंगे क्या दिया फील के बाद हमारा वर्ड है फाइंड एफ आई एन डी फाइंड का देखिए बेटिन वर्ड अभी आते हैं इस पे ये बड़ा खतरनाक वर्ड है सही है ये करना क्यों समझोगे ये भाई साहब फाइंड जो है ना फाइंड का देखो वी टू और वी थ्री फाउंड फाउंड ठीक है तो फाइंड का मतलब क्या होता है ये फाइंड का मतलब पाना होता है ठीक है फाइंड का मतलब पाना खोजने के सेंस में होता है इस सेंस में यूज करते हैं फाइंड तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से ओके चलिए सर 46 यूएसए पीएम बिताना है सर और कमलिया हमको ना पता है करना मतलब जीके को बात ना करना हो गया वैसे मैंने पूछ दिया था फाउंड फाउंडेड फाउंडेड यहां तो ये तो आपका क्या फाइंड मींस क्या होता है पाना होता है ठीक है उस सेंस में कुछ हम यूज करते हैं लेकिन ये देखो ये बी2 है और ये भी अपने आप में फाउंड जो है ये बी1 के रूप में यूज करते हैं जिसका मीनिंग दिया फाउंड का मतलब नींव रखना ठीक है नींव रखना मतलब ये या किसी चीज को स्थापित करना नींव रखना या स्थापित करना सुनियो स्थापित करना जैसे आपको जीके में क्वेश्चन आता है कहीं लिखा रहता है क्या बाबर सपोज करो बाबर फाउंडेड द मुगल ठीक है मुगल एंपायर इन इंडिया ऐसा क्वेश्चन आता है ना मुगल एंपायर इन इंडिया ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहां जो फाउंडेड है वो क्या है ये फाउंडेड क्या है तो बी2 है और ये बी2 है इसका बी1 कौन होगा इसका बी1 है फाउंड ये वाला नींव रखना समझे ये याद रखेगा और ये जो फाइंड है ना इसे पाना फाउंड फाउंड है ये याद रखेगा ये फाउंड का मतलब नींव रखना होता है अच्छे से रखना स्थापित करना होता है और इसी फाउंड से बनता है क्या फाउंडर फाउंडर मींस होता है संस्थापक ठीक है ये बोलते हैं फाउंडर मींस क्या संस्थापक कोई चीज को जो स्थापना किया उसके लिए संस्थापक ये होते हैं जैसे बोलेंगे ऐसे ही फिर बोलेंगे स्टेटमेंट को बाबर ठीक है वाज द फाउंडर ऑफ द ठीक है ऑफ द मुगल एंपायर इन इंडिया वाह मुगल एंपायर इन इंडिया ठीक है मुगल एंपायर इन इंडिया बस समझे मुगल साम्राज्य की स्थापना ये संस्थापक ही था इनको दिक्कत ठीक है ये बात हुआ ये आप अच्छे से समझ लो अब हम दूसरी दुनिया घुसने जा रहे हैं अब जो दुनिया घुसने जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है एक बच्चा बोल रहा है कि सर फाउंड ऑफ होता है अरे बता कहीं का फाउंड ऑफ होता है फाउंड ऑफ नहीं होता करना जहां बनता जो मंसूर लगा लो फाउंड ऑफ होता है आई एम फाउंड ऑफ यू आई एम फाउंड ऑफ योर टीचिंग स्टाइल बस समझे ये सेंस होता है फाउंड ऑफ एफ ओ एन डी होता है फाउंड ऑफ नहीं होता ये याद रखिएगा एफ ओ एन डी होता है इसी के लिए जो आपका लव अफेक्शन है उसके लिए समझे फाउंड ऑफ होता है लेकिन फाउंडनेस फॉर होता है फाउंडनेस फॉर ये याद रखना ये फिलहाल फाउंडर अब देखो एक चीज वर्ड है ये आपको अलग वर्ड में जा रहा है ये जो वर्ड है ना नाउन है फाउंडर जिसको आप संस्थापक कहते हैं लेकिन फाउंडर जो है अपने आप में भी वर्ब है ये भी वर्ड वर्ब होता है और इसका V2 V3 क्या होता है फाउंडर्ड होता है ये भी रटा मारना फाउंडर्ड ठीक है इसका थर्ड फॉर्म फाउंडर्ड अब बोलो फाउंडर्ड मींस क्या होता है सर क्वेश्चन ये होगा कि इसका भर्ब मीनिंग क्या होता है फाउंडर का तो फाउंडर का भर्ब जो होता है इसका मीनिंग होता है निष्फल होना टू फेल होता है फेल एफ ए आई एल फेल मींस असफल होना फाउंडर मींस असफल होना याद है आप ये बात नोट करना भी होता है और फाउंडर मींस भर्ब अगर रहेगा इसका मतलब टू फेल होता है फाउंडर मींस भर्ब का मीनिंग क्या होता है मैं लिख रहा हूं निष्फल होना ठीक है निष्फल होना मतलब क्या असफल होना फाउंडर उसका बी टू बी क्या होता है फाउंडर फाउंडर ठीक है फाउंडर फाउंडर याद रहेगा ये अच्छी तरह से जान ले ये वो दिक्कत एक बार बोलो यस या नो अगर ये बात समझ आ गई तो आप एक बार एमजी टाइप करो आप लोग क्या करो एमजी टाइप करो आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं आप लोग तो ये याद रखेंगे आप लोग ठीक है ये जो वर्ड है आप एकदम याद रखेंगे ठीक है चलिए बढ़िए सर आपकी ओके नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्लो FLO ये आप जान लो चीज़ से ये जो वर्ड है ना आपका इसको आप अच्छे से समझो फ्लो जो है वर्ड इसको मैंने पहले ही बता दिया फ्लो फ्लोट फ्लोट ठीक है जो आपको हमेशा पूछता है फ्लो मींस बना होता है और ये पानी का बना आप जानते हो इसी चीज का फ्लो जो होता है या फ्लो जो है वर्ब भी है ठीक है ये वर्ब तो है या साथ में ये नाउन भी है द फ्लो ऑफ जैसे द फ्लो ऑफ द टीचर सही है द फ्लो ऑफ द टीचर जैसे आप मेरा फ्लो देख सकते हो द फ्लो ऑफ द टीचर इज ठीक है इज ऑसम अगर मैं ये लिख दूं आप मेरे लिए आप लिखते होगे सही है द फ्लो ऑफ द टीचर इज ऑसम अगर ऐसा लिखा हुआ है आपसे पूछा जाएगा ये फ्लो क्या है यहां पे ये दो टीचर माइनस ये फ्लो क्या है ये नाउन है ठीक है तो ये जो मेरा है ना फ्लो बहने का या क्रिकेट का जो फ्लो होता है बैट का फ्लो जिधर जा रहा है डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में तो ये द फ्लो ऑफ द बैट सही है आई लव ठीक है आई लव ठीक है आई लव वाचिंग द फ्लो ऑफ क्या द फ्लो ऑफ राहुल बैटिंग ठीक है राहुल बैटिंग मतलब राहुल माने समझ लो आप जान लो किसी बारे में लिखा तो आई लव वाचिंग द फ्लो ऑफ राहुल बैटिंग क्या मतलब तो ये आपको समझता है फ्लो ये नाउन होता है इससे एक वर्ड निकलता है उसको बोलते हैं ओवरफ्लो ओवरफ्लो जो है आपको इसी से निकलता है तो फ्लो मींस बना ओवरफ्लो मींस क्या जो आपका चारों तरफ से उसको क्या उसको तोड़ते हुए बहना जैसे रिवर ओवरफ्लो करती है ठीक है तो ओवरफ्लो है ओवरफ्लोड है ठीक है तो बहना मतलब क्या फाड़ देना सबसे चारों तरफ
तोड़ के बह जाना वो ओवरफ्लो होता है ये आपका तीनों ओवरफ्लो ही होता है ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आए हैं क्या रहेगा तो ये आपका ओवरफ्लो ओवरफ्लो ठीक है ये आपको दिमाग रखना है चले आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला लिखा सो देखिए अगला बड़ा फ्लाई मैंने ये वर्ड पढ़ा दिया समझा भी दिया कि इसका बहुत गलती होता है बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं ठीक है ये फ्लाई जो है फ्लाई फ्लू फ्लोन ये याद रखेंगे फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है फ्लो का नहीं होता फ्लो फ्लू फ्लोन नहीं होता फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है ठीक है नेक्स्ट वर्ड है ग्राइंड ये ग्राइंड मींस क्या होता है जीआरआई ग्राइंड मींस पीसना ठीक है ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड अब देखो ये वर्ड जो है ग्राउंड ठीक है ग्राइंड मींस पीसना होता है ग्राउंड जो है आपका वर्ब देखो v2 होता है ग्राउंड v2 ही होता है साथ ही साथ ग्राउंड जो है नाउन भी ग्राउंड का मतलब क्या होता है जमीन होता है आपको पता ही होगा ग्राउंड मींस जमीन ये नीचे वाला जो है ग्राउंड करते हैं उसको ठीक है ग्राउंड करते हैं ये दिमाग रखिएगा और ये भी आपको जानना है ठीक है कि ये जो आपका जमीन है ना ये ग्राउंड जिसको यूज करते हो ये घर के बाहर का होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड घर के बाहर जो होता है ना घर के बाहर उसको ग्राउंड बोलते हैं लेकिन घर के अंदर जो जमीन होता है नीचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लोर बोलते हैं सही है घर के बाहर उसको ग्राउंड घर के अंदर उसको क्या बोलते हैं बस समझो घर के अंदर है जमीन जो रहता है सतह उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर ये दोनों में अंतर है ठीक है ये ग्राउंड बाहर को और अंदर जो है उसके लिए यूज करते हैं इससे जो वर्ड बनता है बोला कि सर ग्राइंडर ठीक है ग्राइंडर जो होता है उसको बोलते हैं ग्राइंडर याद लग गया मशीन जो पीसने वाला होता है तो आप इसको लिख सकते हो ना ग्राइंडिंग मशीन ठीक है द ग्राइंडिंग मशीन बोलते हो ना तो ग्राइंडिंग मशीन में पूछा जाएगा कि इसका पासवर्ड स्पीड बताओ ये पीएस क्या होगा इसका अगर ये दो होगा डिटरमाइनर और ये हमारा नाउन होगा तो ये आपका क्या होगा पीसने वाला मशीन पीसने वाला हमने बोला था कि जो बिफोर एडजेक्टिव होता है जिस नाउन के पीछे होता है वो वाला का सेंस देता है ठीक है चलिए अगला वर्ड हमारा ये होगा देखो ग्राउंड हो गया ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से ग्राउंड के बारे में बता दिया साथ में हमने ग्राइंड के बारे में बता दिया ग्राइंडिंग ठीक है ये भी हमने बता दिया इन्हें कोई दिक्कत याद किसी को दिक्कत है समझे इन्हें कोई दिक्कत ठीक है इन्हें कोई दिक्कत है बता दो चले आगे बढ़े अब यार कौन बोलता है कि बस करता करना भाई परेशान करता है तो अपना नेट खत्म कर लेगा बोले मेरा खराब हुआ नेट खत्म कर लो अपना उसका बोल मेरा बस करना चलिए ये बात समझ आएगी आगे बढ़ेंगे हम लोग एक शॉट हमारा जो है वो आपका कैसे देखेंगे वो हैंग है और ये दोनों में डिफरेंस आप समझ लें भाई ये लटकाना होता है और एक होता है फांसी देना दोनों में क्या अंतर है लटकाना ये इसका वी टू वी थ्री हंग होता है सही है जब आप लटकाते हो जैसे कपड़ा लटकाते हो ना कपड़ा है या कुछ भी लटका दिया ठीक है तो ये कपड़ा है कुछ भी आप लटकाते हो उसके लिए यूज करते हो और ये जो फांसी देना होता है ना ठीक है ये हैंग जो फांसी होता है उसका हैंग हैंग होता है जैसे अगर बोले द ठीक है द कल कुछ बोल देते हैं द कल ब्रिज दो सी होता है कल ब्रिज वॉज ठीक है वॉज पूछा जाएगा एच यू एन जी हंग ये स्टेटमेंट सही गलत नंबर टू में दिया कि आई ठीक है आई अगर लिख दिया कि आई हैंग सही आई हैंग माय ठीक है आई हैंग माय क्लॉथ्स क्लॉथ्स ऐसा दिया हुआ लीजिए आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट में दोनों सही कौन है फटाफट कमेंट करें देखो भाई जो बचा है वही पड़ेगा जो नहीं बचेगा घर जाएगा ठीक है ग्राउंडेड भी होता है आपको बुकलेट में मिल जाएगा फिलहाल आप देखो फटाफट देखो पहले वो सारी चीज़ें बुकलेट में मिल जाएगा परेशान हो भानु प्रताप सिंह राजवत कह रहे हैं कि आपने 21 तक देखा ऐसा लगा भानु प्रताप अगर आपने क्लास 21 तक देखा कैसा फील हुआ भानु प्रताप सिंह बताइए आप हाउ डू यू फील ठीक है कैसा महसूस करते हैं समझे तो ये समझ लो ये जो वर्ड दिया है देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ देखो ध्यान से अगर यहाँ दिया है और यहाँ हैंग दिया है अब जानते हैं कि अगर कल्पित है ना तो अगर वॉज के बाद यूज करना है वॉज के बाद ठीक है अब जानते हैं कि इस हमारा वॉज वेयर के बाद हम यूज करते हैं क्या या तो V4 नहीं तो पैसिव फॉर्म होगा V3 अब जानते हैं कि फांसी देना के लिए हम हैंग 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 यूज करते हैं तो ये वर्ड हमारा हंग नहीं होगा वो हमारा वर्ड क्या होगा हैंग होगा ये गलत है ठीक है अब यहाँ पे क्या आई हैंग माय क्लॉथ्स अगर मुझे कपड़े टांगने लटकाने हैं तो उसके लिए हैंग नहीं यूज करेंगे सिंपली हम यूज करेंगे आई हंग माय क्लॉथ्स ठीक है मैंने क्या किया कपड़े टांगा समझे ये याद रखेंगे या मैंने कपड़े लटकाए ये समझ लें तो ये आपका हैंग और हंग समझो ये दो हैंग है जिसका V2 और V3 फॉर्म सही है V2 और V3 फॉर्म डिफर करता है और दोनों का यूज अंतर हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला काफी सादा वर्ड है और इस वर्ड में बहुत गलती होती है और बच्चे को ये आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा आता भी है ठीक है परेशानी करेगा और एग्जाम में आता भी है और उसका नाम क्या है सो आप देख सकते हैं सामने में है वो वर्ड है हमारा सही है वो वर्ड का नाम क्या है सो देख लो आपका पहले लिखा हुआ ले अगला है लाई ठीक है और फिर है लाई ये देखो एक नंबर इसको अलग से बात करेंगे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर तो ये तीन नंबर जो है ना सबसे पहले इसको पढ़ जाते हैं लाइट ठीक है ये जो तीन नंबर है इसको पढ़ जाते हैं अगर इसको पढ़ जाते हैं तो देखो यहाँ पे पीछे छोटा हुआ है वो लिख देते हैं लाई लाइट लाइट सही है तो ये जो आपका लाइट है ना अच्छा यहाँ लिख दिया अब यहाँ लिखा हुआ ये यहाँ पीछे होना चाहिए तो ये आपका क्या V1 आपका लाई है V2 लाइट है और V3 हमारा क्या लाइट है ये झूठ बोला समझे समझो तो ये समझो अच्छी तरह से ये जो चीज है आप अच्छे समझ लो तो ये झूठ बोला कोई दिक्कत नहीं अच्छा इसमें क्या ना इसमें तो कोई इशू नहीं है उसमें तो लाइट लाइट होता है कोई इशू नहीं लेकिन ये जो आपका नंबर दो और नंबर तीन है ना इसमें बड़ा प्रॉब्लम है मेरे भाई ठीक है नंबर वन टू में पहला सेंस देखिए लाई मींस लगाना ये लगाना के सेंस में यूज करते हैं दूसरा इसको ठोकना के सेंस में ठोकना ऐसे ठोकना समझ आए या रखने के सेंस में और ये तीनों सेंस आपको बताते हैं लाइट लेट लेट ये जो है दो फॉर्म लाई लेट लेट एकदम रट्टा मार लीजिए लगाना ठोकना और रखना के सेंस में यूज करते हैं समझे ये रखना के सेंस में देते हैं एक और सेंस में इसको यूज करते हैं ठीक है उसका नाम है देना का सेंस देना अड्डा देना इसे देना के सेंस में यूज करते हैं यूज यहाँ लिखा हुआ टू ले क्लेम ठीक है टू ले क्लेम इसका हिंदी में लिख रहा हूं टू ले क्लेम क्लेम दावा होता है टू ले क्लेम का मतलब है दावा ठोकना देखो दावा ठोकना ठीक है ये दावा ठोकना हुआ टू ले ब्लेम ऑन अदर्स टू ले ब्लेम का मतलब होता है क्या ब्लेम इसका आरोप आरोप लगाना देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं आरोप लगाना देखो लगाना का सेंस आ गया नेक्स्ट वर्ड हमारा टू ले एक इसका मतलब होता है अंडा देना ठीक है अंडा देना इस सेंस में यूज करेंगे अंडा देना अगला टू ले अ टेबल ठीक है या टू ले द फाउंडेशन ले द टेबल का मतलब होता है क्या टेबल रखना या सजाना ठीक है टेबल रखना या सजाना इस सेंस में रखना दिया तो रख दिया मैंने अगला टू ले द फाउंडेशन टू ले द फाउंडेशन का मीनिंग क्या होता है ये लिख देता हूं नींव रखना टू ले द फाउंडेशन का मतलब नींव रखना ठीक है टू ले द फाउंडेशन का मतलब होता है नींव रखना नींव माने समझते हो फाउंडेशन ये आपका फाउंडेशन नींव टू ले द फाउंडेशन इसको कहते हैं वर्ब लोकेशन यही वर्ब लोकेशन ये आपको जुबान पे रहना चाहिए समझे ये आपको जुबान पे रहना चाहिए याद रहेगा ये आप देखो चीज़ ये आपको जुबान पे रहना चाहिए ये यूजेज आपको जुबान पे रहना चाहिए अगर नहीं है तो गलत ये आप जुबान रखो लिख लो ये देखो टू ले क्लेम क्लेम होता है दावा दावा ठोकना टू ले क्लेम ऑन समथिंग अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे टू ले क्लेम ऑन समथिंग टू ले क्लेम याद रखिए ऑन समथिंग आप दावा ठोकते हो किसी चीज पे जैसे ये मेरी जमीन है मैं इस पे दावा ठोकता हूं तो ये याद रखेंगे तो ये आपका यूजेज है और हिंदी में याद टू ले क्लेम दावा ठोकना ले ब्लेम ऑन अदर्स मींस दूसरे पे आरोप ठोकना सॉरी लगाना या टू ले एक मींस होता है अंडा देना टू ले टेबल मींस सजाना या रखना टू ले द फाउंडेशन फाउंडेशन का मीनिंग होता है नींव ठीक आधार होता है नींव आधार फाउंडेशन फाउंडेशन पे चल रहा है ठीक है तो ये आप जान लो अगला वर्ड हमारा लाई ये बड़ा बेहतरीन लाई मींस होता है परे रहना जाओ पर लो काफी के सुधर रहा है अंदर तो लाई मींस परे रहना और जब परे रहना होता है सब प्रीपोजिशन भी खूब फिक्स होता है उसका नाम है लाई इन ठीक है परे रहना या स्थित होना ठीक है या सिंपली होना ये लाई जो है होना का सेंस परे रहना का सेंस या स्थित होना का सेंस हो तो ये आपका प्रीपोजिशन इन लेता है और इसका V2 और V3 देखिए मैं बता रहा हूं ले जो है इसका V2 ले बाय ले
जो आपको यहां बी1 दिख रहा है ना ले वो अलग बीमार होता है यहां बी2 हो जाता है राणा पटना के सेंस में राणा या आपको स्थित होना या पटना के सेंस में ले बी2 होता है और थर्ड फॉर्म लेन होता है लाई ले लेन और प्रीपोजिशन फिक्स है उसका नाम है लाइक इन ठीक है बस करो ये याद रखिए लाइक इन अच्छे से जान लीजिए अब देखिए क्या होता है एक लाइन में लिखा हूं अगर सपोज एक लाइन लिखा हुआ है ठीक है अगर लिखा हुआ है कि ही वाज ठीक है ही वाज लाइंग इन द बेड ठीक है ही वाज लाइंग इन द बेड अगर ऐसा लिखा हुआ ही वाज लाइंग इन द बेड ये लाइंग जो है एल वाई आई जी तो आपको ये भी याद रखना ये एल ए वाई जो है ना इसका बिफोर होता है लिंक और ये दोनों जो है ना नंबर 2 और 3 दोनों का बिफोर होता है लाइंग एल वाई आई जी ठीक है बिफोर तो लाइक के साथ इन समझे लाइक के साथ इन लाइंग इन द बेड या आपको एक स्टेटमेंट याद होगा ये पता है पहले लिख लो अच्छी तरह से ये सभी चीजें लिख लो ये लाइक जो है रहना पढ़ना स्थित होना ले लेन होता है और ये ले का जो होता है ले लेट लेट होता है ठीक है कहीं स्टेटमेंट ऐसा हो मैं आप जा रहा हूँ कहीं स्टेटमेंट ऐसा हो लिखा हुआ कि ब्यूटी ब्यूटी लाइज मैंने सुना होगा आप लोगों ने सुना होगा ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर ठीक है बीहोल्डर मींस होता है देखने वाला बीहोल्डर मींस देखना और इसका मतलब हो गया देखने वाला ठीक है देखने वाला क्या हिंदी वॉइस सही है आपको बताना हिंदी देखो लाइन ये आपको लाइन जो है ना ये वर्ब है ठीक है ये वर्ब है ब्यूटी लाइज इन द सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है सुंदरता ठीक है सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है सुंदरता देखने वालों से ना देखने वाला के आंखों में होती है आंखों में होती है ठीक है सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है बीहोल्डर करते तो अच्छा लगेगा ठीक है बीहोल्डर करते हैं तो देखने वालों की आंखों में होती है सुंदरता क्या होती है सुंदरता कोई चीज नहीं है देखने वालों की आंखों में होती है ठीक है सब आ गया क्या कोई बचा या नहीं कोई है बचा हुआ कोई नहीं और नो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई नहीं कोई इशू नहीं मैं बनाते रहूंगा देखते वीडियो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग ये आपको ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर्स देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है सुंदरता कोई चीज नहीं होती है आपकी नजर से देखते हो नजरिया सही है ठीक है कोई इशू चलिए यस सर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट आपको एक और बता दूं देखो ध्यान से अगर आपसे पूछा जाए सही है कि आगे जो वर्ड्स है देखिएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा रीच अभी बहुत शानदार वर्ड्स आपको पढ़ने वाले हैं जो भाग गया ना बहुत मस्त आएगा देखिए अगला वर्ड हमारा रेज है और राइज ये वर्ड आया था और आपने पूछा था रेज रेज और रोज राइजन मैं यहाँ डिफ्रेंस लिखने जा रहा हूँ देखिए ये रेज और रोज का डिफ्रेंस है ये एग्जाम में आपको बड़ा प्रॉब्लम करेगा देखिए ये जो है स्वतः होगा स्वतः बढ़ना होगा ना स्वतः अगर बढ़ना हो तो इसको यूज करते हैं स्वतः बढ़ना हो सही है और ये रेज का बढ़ाना है बढ़ाना समझ लो ये मतलब क्या हो किसी और के द्वारा बढ़ना दोनों है लेकिन एक स्वतः अपने से बढ़ता है ठीक है ये आगे उदय सिंह ठाकर ठीक है हाँ सर ये वर्ड्स तो कुछ नहीं पूछेंगे जो बढ़ा रहे हैं अभी तो ये जो वर्ड आपका ना रेज ये आपको रोज जो है स्वतः बढ़ना है और ये जो है किसी और के द्वारा बढ़ना इसके लोकेशन पर ध्यान देना है लोकेशन मीन्स वर्ड जिस नाउन के लिए फिक्स होता है जैसे आपका जो दिया ना ये राइज सॉरी रोज दिया जिसको डायरेक्ट रोज ना लिखे आपको राइज लिखे ठीक है तो ये जो आपका लोकेशन इसे बहुत इंपॉर्टेंट है राइज स्वतः बढ़ना तो जो चीजें स्वतः बढ़ती है उसका लोकेशन मैं लिखने जा रहा हूँ ठीक है आप देखेंगे कि सब लोकेशन लिख रहा हूँ जो स्वतः बढ़ता है जैसे पहले इसका लिख रहा हूँ जैसे टू देखिए टू राइज अगर दिया तो क्या क्या स्वतः बढ़ता है तो लिखेंगे ध्यान से जैसे आपको लिखा हुआ है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये सब आपको बढ़ता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्वतः बढ़ेगा अनएम्प्लॉय बेरोजगारी का जो दर है या आपका इन्फ्लेशन ये सब या आपको क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग ये सब जितने भी चीजें ना ये सब आपको क्या होता है कि राइज होता है स्वतः बढ़ता है समझे ये जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग रोज आर आई एस ई रोज आर ओ एस ई स्वतः बढ़ेगा समझे आप यूज करना मजा सपोर्ट और आपका ये जो स्वतः जितना भी बढ़ने वाली चीजें हैं सब आपको राइज लेता है जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हो इन्फ्लेशन रेट हो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो ये सब आपका क्या राइज है ठीक है अपने यहाँ बढ़ते यस रेट ऑफ लैंड राइज होगा रोहित कुमार रेट ऑफ लैंड राइज होगा ये सब स्वतः बढ़ता है चलिए ये जो आपको चीज जान लेना ये राइज स्वयं बढ़ता है स्वतः बढ़ता है रेट जो है ये बढ़ाया जाता है ठीक है ये दूसरे द्वारा बढ़ाया जाता है अब देखिए रेट को किस सेंस में यूज करते हैं रेट को हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं उस चीज को देखा जाए ठीक है रेट को किस सेंस में यूज करते हैं तो रेट का लोकेशन देखिए बेहतरीन है अब मैं लिखने जा रहा हूँ रेट जो है बढ़ाने के अलावा देखिए बढ़ाना इसका सेंस तो बढ़ाना होता ही है साथ ही साथ यहाँ समझेंगे साथ ही साथ इसका मतलब उठाना भी होता है उठाना बढ़ाना उठाना सही है साथ ही साथ इसका मतलब एकत्रित करना होता है एकत्रित करना होता है ये भी सेंस समझिएगा तीनों सेंस में मैं इसको बता रहा हूँ ठीक है पेट्रोल के रेट सही है देखो गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है तो गवर्नमेंट हैज रेज द रेट ऑफ पेट्रोल तो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई गई है तो क्या होगा वो आपको रेज होगा लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का नाम क्या हो रहा है राइज तो वो स्वतः बढ़ रहा है ठीक है दोनों आपको दिमाग रखना दोनों जिस अंदाज में यूज करना हो ठीक है देखो ये जो रेज है ना बढ़ाना उठाना या एकत्रित करना मैं लिख रहा हूँ कुछ बातें टू राइज सॉरी टू रेज टूडेज द क्वेश्चन टूडेज द क्वेश्चन टूडेज द क्वेश्चन मतलब प्रश्न उठाना टूडेज द क्वेश्चन टूडेज द एजेंडा ठीक है या टूडेज द इशू ठीक है टूडेज द इशू टूडेज द टूडेज द इशू जो है ना आपको याद रखना ठीक है तो ये आपको स्पष्ट रूप से याद टूडेज द इशू टूडेज द क्वेश्चन टूडेज द एजेंडा ये प्रश्न उठाना फर्स्ट ये हो गया सेकंड अगला हम देखते हैं टूडेज यूज कर सकते हैं टूडेज द क्वेश्चन एजेंडा इशू सही है कुछ भी आप लिख सकते टूडेज द पॉइंट समझे टूडेज द पॉइंट इस सेंस में यूज करेंगे टूडेज अ कंप्लेंट ना अगर ये टूडेज हम लिखते हैं सुनिए टूडेज द फंड इलेक्शन लड़ना है मुझे इलेक्शन लड़ना है फंड एकत्रित करना टूडेज द फंड या समर्थन एकत्रित करना टूडेज सपोर्ट सही है सपोर्ट समर्थन टूडेज सपोर्ट समर्थन एकत्रित करना ठीक है तो ये आपका रेज का हुआ अगला मैंने बोला क्या बढ़ाना सिंपल होता है यूज करना या रेज का प्रयोग हम लोग टूडेज द चाइल्ड ठीक है टूडेज द चाइल्ड टूडेज द चाइल्ड माने क्या बच्चे पालना रेज का मतलब रेयर भी होता है रेयर मींस पालना जो बच्चे पालते हैं ना पालने के सेंस में रेज को यूज किया जाता है ये भी याद रखिएगा पॉपुलेशन इज राइजिंग रेजिंग नहीं हुआ यस स्वतः यस रवि कुमार सही बोल रहे हो ये यूज होता है अडैप्ट और अडैप्ट में क्या अंतर है अबे यार ए डी ई बी टी अडैप्ट जो है एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव है और इसका सेंस होता है क्या इसका सेंस होता है कुशल या कुशल होता है या इसको बोलते हैं क्या दक्ष अडैप्ट के साथ एट्रिब्यूशन एडजेक्टिव रूप में और ए डी ए बी टी अडैप्ट जो है ये अडैप्ट टू होता है ये वर्ब होता है अडैप्ट मींस होता है अनुकूलित होना सही है टुडेज द ग्रुप चलेगा हां टुडेज द ग्रुप ऑफ पीपल सही है तो ये रेज और राइज में अंतर है ये आप दिमाग रखेंगे ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ बाद में परेशान ना हो ठीक है बाद में परेशान ना हो ये सब मिलेगा अगला हम देखते हैं क्या वो वर्ड देखा जाए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो आपका स्ट्राइक ये हमने वर्ड पढ़ा दिया स्ट्राइक वाला वर्ड मैंने पढ़ा दिया ठीक है स्ट्राइक स्ट्रक सही है स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रिक मारना ये आपको मैंने बताया था कि स्ट्राइक स्ट्रक और थर्ड फॉर्म इसका स्ट्रक ये भी हम यूज करते हैं ठीक है ये ज्यादा अच्छा है अगला दिया स्ट्रोक ये अच्छा अच्छा कंफ्यूजन के लिए हाथ से चुना स्ट्रोक स्ट्रोक ये आपको सुना होगा ये स्ट्रोक जो होता है ना ये वर्ब और नाउन दोनों होता है जैसे बोलता है पल्ला गुड स्ट्रोक ठीक है तो स्ट्रोक जो है ये भी बेहतरीन है स्ट्रोक का मतलब हाथ से चुना ठीक है उस स्ट्रोक स्ट्रोक ये भी आपको यूज करते हैं ये स्ट्रोक द बॉल ये भी सेंस कर सकते हैं स्ट्राइक भी यूज करते हैं स्ट्राइकिंग द बॉल वो यूज करते हैं एक
आप लोग ये बता दें कि ठीक है ये स्ट्राइक मैंने मारना होता है लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे द स्ट्राइकिंग आईजी बोलते हैं द स्ट्राइकिंग डिफरेंस द स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखो लोकेशन पर अच्छा है आपसे पूछा जाएगा बताइए यहां स्ट्राइकिंग का यूएस क्या स्ट्राइकिंग द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग स्टाइल ऑफ एफजी सुल्तान एंड अदर टीचर्स आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग स्टाइल ऑफ एफजी सुल्तान एंड अदर टीचर्स द स्ट्राइकिंग डिफरेंस ये है स्ट्राइकिंग डिफरेंस का मतलब सही अस्पष्ट यहां पे अस्पष्ट के सेंस में सही अस्पष्ट के सेंस में यूज किया स्ट्राइकिंग डिफरेंस मारने वाला अंतर एकदम लगेगा कि अलग-अलग अंतर है ये आपका डिफरेंस में अंतर ये नाउन हुआ और स्ट्राइकिंग डिफरेंस समझे अगला वर्ड हमारा क्या देखो विंड इन फैक्ट इसको विंड ना पढ़ेंगे क्योंकि अगर वर्ब है ना इसको वाइंड पढ़ते हैं अगर ये वर्ब है तो इसको वाइंड पढ़ते हैं चाबी लगाना घड़ी में जो चाबी लगाते हैं जब ये विंड होगा ना तो ये नाउन हो जाएगा ठीक है ये विंड जो है नाउन हो जाएगा हवा 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 बसंती हवा ठीक है तो ये आपका हवा है और ये आपका विंड जो है ये आपका घूमना या चाबी देना घूमना नहीं घुमाना सही लगा सुनो चाबी देना बच्चा में कोई टीचर कान घुमाया कान ये जो है कान घुमाना ठीक है चाबी देना कान में चाबी देना याद है कि बोलिए तो कान में चाबी देना ये वाइंड है समझे चाबी देना वाउंड वाउंड ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये जो वर्ड है ना इस अंदाज में यूज करते हैं चाबी देना ये घुमाना है सही है वाउंड वाउंड अब देखो ये जो वर्ड है ना इस वर्ड को देखें ये तो हमारा बी2 दे दिया यहां पे ना वाउंड ठीक है लेकिन ये वाउंड जो है जब ये नाउन होता है ना इसको हम उंड कहते हैं ठीक है और उंड जो कहते हैं उन्होंने क्या चक ठीक है जक जानते हो ना जक ये आप जक मूवी देखा होगा जक में कौन हीरो है ये इस मूवी का नाम बताना इसमें कौन एक्टर कौन है जक का एक्टर सही है इसमें गाय वाला अच्छा गाने कितने दिनों के बाद आज चांद निकला देखो ना तो ये आपको उंड ठीक है ये नाउन होता है अगला वर्ड हमारा उंड दिया हुआ है ये ख्याल करना दिया ये वर्ब के रूप में ठीक है उंडे उंडे लेकिन उंड अपने आप में अभी एक नाउन भी होता है ये भी याद रखना ये नीचे दिया हुआ है तो ये आपका वर्ब और ये यहां पे देख लो यहां बी1 और यहां बी2 ठीक है अब ये जितने भी मैंने पीछे पढ़ाए उनके अर्थ और फॉर्म्स में अंतर दृष्टिकोण से देखें ये सेंटेंस है कुछ आपको देखना है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपको बताना देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए अंदर आप देख लो देयर वाज अ हैवी रेन लास्ट नाइट एंड द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन ये सही है कि गलत है रिवर्स हैव ओवरफ्लोन ठीक है ये आपको दिया क्या कि रिवर्स हैव ओवरफ्लोन तो आपको पता है कि ओवरफ्लोन वर्ड ही नहीं होता है वर्ड होता है ओवरफ्लोड देखिए क्योंकि रिवर्स हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स गलत यू मस्ट बी श्योर दैट योर लेबर आपकी मेहनत विल बॉर्न फ्रूट अब जानते हैं कि मॉडल के बाद विल सेल या मॉडल के बाद बी1 होता है तो मॉडल के बाद अगर बी1 होता है तो बी1 होगा बी1 दिया हुआ है बॉर्न गलत है ठीक है अगला दिया टू बिल्ड इज गैरेज आपको अगर अपना गैरेज बनाना है बिल्ड मींस बनाना पर्पस इंफिनिटी तो पर्पस के लिए इंफिनिटी वाला रूप यूज कर दो और यहां कॉमा दे दो उसका ही सब्जेक्ट तो अगर गैरेज बनाना है तो वहां बहुत सारा पेड़ है तो काटिए बोले लिखा है क्या ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री तो अगर फेल देते हो तो फेल आपका बी1 होता है ठीक है और ही के साथ बी1 नहीं हो सकता चाहिए क्या बी5 चाहिए तो ये बी5 नहीं है तो गलत है समझे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड दिया ना इसको फेल कर दो या तो फेल कर दो या इसको लिखो फेल्स ठीक है ये चल सकता है अगला दिया कि फॉर हिज क्राइम द एक्यूज्ड विल बी द एक्यूज्ड आरोपी द एक्यूज्ड माने आरोपी ठीक है द एक्यूज्ड विल बी हंग नहीं होगा हैंग ठीक है और हैंग टिल डेथ आवर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड नहीं होगा क्योंकि स्थापित करने के लिए वाज के बाद क्या होना चाहिए थर्ड फॉर्म फाउंडेड The government has again risen the prices of petroleum. देखिए राइजन नहीं हुआ गवर्नमेंट अगर बढ़ाया तो क्या होगा रेस होगा समझ में गवर्नमेंट अगर बढ़ाया तो क्या रेस दूसरे का बढ़ाया तो रेस दूसरे ब्रैकेट में रेस बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट रेन इंसेसेंट मतलब लगातार इंसेसेंट मतलब लगातार आपसे कोई पूछे इंसेसेंट ये एडजेक्टिव है और इंसेसेंट का मीनिंग क्या होता है बोलिएगा सर लगातार इंसेसेंट मतलब लगातार दैट इज कंटिन्यूअस जैसे चल रहे हैं आप इंसेसेंट मींस कंटिन्यूअस तो बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट रेन कॉमा या कॉमा होगा द फ्लड वाटर इज रेजिंग ठीक है गलत है जो वाटर का लेवल होता है ना वो स्वतः बढ़ते रहता है इसके लिए क्या होगा राइजिंग नेक्स्ट दिया कि वी आर सो टायर्ड लेट अस ले इन द शेड फॉर अ व्हाइल अब देखिए लेट अस दिया आपको पता है ना कि लेट उसको तो लेट अस समझो अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा लेट अस और लेट कैसा वर्ब है एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट रहे ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है बी1 होता है जो बेयर इंफिनिटी होता है बेयर इंफिनिटी होता है अब आपको लेट अस इसको अगर तोड़ेंगे तो लेट अस होता है लेट होगा अस होगा और ये ले दिया आप जानते हो कि ले का मतलब क्या रहना पढ़ना होना नहीं होता ले जो होता है यूज करते हैं रहना पढ़ना के लिए नहीं यूज करते आराम करना हो रहना पढ़ना हो छाया में होना हो उसमें लाई यूज करते हैं लेट अस लाई देखिए लाई दिया और साथ में प्रीपोजिशन इन है लाई इन द शेड शेड मींस छाया ठीक है अगर दिया फॉर द डैमेज ही हैज लाइट क्लेम देखिए जो डैमेज हुआ है ही हैज लेट देखिए अब लाइट दे दिया आपको पढ़ाया हमने क्या टू ले द क्लेम याद है टू ले द क्लेम इज दावा ठोकना ही हैज लाइट नहीं ही हैज लेट आपको आगे मिल जाएगा तो देखिए क्या होगा ही हैज लेट क्लेम अगेंस्ट द बस करो तो ही हैज लेट कहीं पे लिखा ही हैज लेट द क्लेम ये गलत है और आपका क्या सही होगा वहां पे हमारा क्या होगा वहां आपका जो होगा ये लाइट नहीं होगा ये होगा ही हैज लेट द क्लेम अगेंस्ट कुछ नहीं सकते हो किसी तरह से लेट अगेंस्ट द कंपनी या लेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सही है अगेंस्ट द कंपनी या गवर्नमेंट कुछ ऐसा होगा ये आपको समझ लीजिए ये हुआ और साथ में ये जो है ब्रैकेट में जो लाइट दिया है इसके ब्रैकेट में क्या होगा लेट होगा तो ये आपका आज के लिए काफी है देखिए ये फॉर्म्स अच्छा कंपनी दिया हुआ लेट है यहां पीछे ये जो मैं अगला टॉपिक शुरू होगा ये आपका होम फॉर्म्स है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होम फॉर्म्स है होम फॉर्म्स क्या होता है कोई पूछेगा होम फॉर्म्स तो एग्जाम में बड़ी दिक्कत करता है होमो वर्ब के फॉर्म से कंफ्यूजन के अलावा वर्ब के होम फॉर्म्स में भी कंफ्यूजन होमो मींस होता है सेम होमो मींस सेम और फोन का मतलब साउंड तो होमो फोन का मतलब हो गया कि ऐसे जो मैं वर्ब पढ़ने जा रहा हूं पढ़ाने जा रहा हूं कि जो आपका क्या होगा प्रोनंसिएशन में सेम होगा प्रोनंसिएशन में क्या होगा सेम होगा प्रोनंसिएशन में सेम होगा लेकिन उसके मीनिंग में डिफरेंस होगा जैसे अबेट ये आपका वर्ब है ये भी वर्ब है ये अबेट मींस होता है घटना कम होना घटना मींस डिक्रीज के सेंस में कम होना लेकिन अबेट का मतलब उकसाना होता है भड़काना होता है आपका ये होमवर्क है यहां समझेंगे ये आपका होमवर्क है कि आप इनको याद कर लें ये जितने भी है ना होम फोन सिटी में दिए हुए आप इनको याद करना इसको जरूर आना ये आपको याद कर लेना है समझे ये आपको क्या करना है याद करना है जितने भी है आपको लगता है कि 190 के आसपास है ये घर से आप पढ़ोगे 3 दिन छुट्टी है ठीक है आपका ये 3 दिन छुट्टी है आपको ये पढ़ के आने हैं समझ लो ये आपको पूरी पूरी पढ़ के आना और क्वेश्चन से प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस का क्वेश्चन है ना इसको क्या करना है कैसे करना है देखो क्या लिखा है एज अनुज वाज फैमिलियर विद द रोड टू नियरस हाउस ही लेट द वे मतलब क्वेश्चन है और लेट द वे यही है ही एक सब्जेक्ट है अब जानते हैं कि ही जो होता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो अगर लीड अगर दिया है तो लीड तो होगा ना लीड हो सकता है लीड नहीं हो सकता सही होना चाहिए या लीड होना चाहिए लेकिन जब कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हो जैसे आपका वाज हो या वेयर हो या बी2 हो या हैड प्लस बी3 हो कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू हो तो उसको हम लोग को पास्ट में लेके जाना है ठीक है तो अगर पास्ट मेंटेन करना तो लीड का भी होना ये गलत है आपको चाहिए बी2 तो आप बी2 में देखो लेट है यहां पे यहां भी लेट है या लीडिंग है गलत हो गया ये लेट है ये दोनों गलत हो गया अब आपको दिया लीड अवे ये लेट अवे मैं दूर ले जाना ऑलरेडी लीड अवे है सिंपली होगा ये आंसर नंबर ए बराबर सब लोग ओके भागे कितने लोग बचे हो कितने लोग बच चुके हो एनीवन फर्स्ट का आंसर आपका लेट अवे हुआ क्योंकि लेट द अवे यहां लेट अवे दे दिया कितने लोग बचे हो कोई बचा कि नहीं कोई बचे हो कोई बचा जिंदा है और कोई जिंदा है देखिए यस सर अच्छा बात है
जिंदा रहना बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करके आना पढ़ के। आपके तीन दिन छुट्टी है, कौन कौन दिन? आज के बाद 1, 2, 3। इस तीन दिन में आपको ये सभी चीजें पढ़ के आना है। मोमोस हिंदी में दिया हुआ है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। वो मैं लोकेशन याद नहीं होता है, वो याद नहीं होता तो आपको याद करना पड़ेगा। जितना बार कर सकते हो वीडियो देखो, लोकेशन है यूट्यूब पे, दो तीन वीडियो है, सभी वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, करके आना। आपको क्वेश्चन कितना देख लो, अब देखिए भाई क्वेश्चन कितना है। तो क्वेश्चन आपका देख लो 1, 2, 3। ये तो पहले एमसीक्यू की क्वेश्चन है, पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चन से पूरा करके आने का। सभी लोग करके आओगे, फिर उसका जो टॉपिक दिया वो पढ़ के आओगे तुम लोग, ठीक है। ये सब पढ़ोगे पढ़ के आना, अपने से बनाऊंगा जरूर, लेकिन आपको करके आना है। और साथ में क्वेश्चन होकर आते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो करके आइएगा, देखो यहाँ प्रैक्टिस फिर से मेजोरिटी वाला से क्वेश्चन से आपको करके आना। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे बहुत सारे, तो आप इनको पढ़ के दिन में पूरा बना के लोगे, फोन करोगे, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन है, अब मैं देखना चाहूँगा कहाँ तक क्वेश्चन है इसमें। तो ये क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है। 38, 40, 60 प्लस क्वेश्चन होंगे, या 60 क्वेश्चन है आपके। तो भाई लोग 60 क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, लास्ट क्वेश्चन याद रखें, ठीक है। तो आपको होमवर्क भी रहा और साथ में, ठीक है, आपको होमवर्क के साथ साथ क्या पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज मिला है। तो दो दिन है आपको, ठीक है, तो आप इस दो दिन का अच्छे से समझ लो ना, यूटिलाइज करो। और फिर हम मिलते हैं, सही है, नए दिन, सही, नए साल में नए चीज़ों के साथ, नए टेक्निक्स के साथ।